चलिए, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। क्या आप सभी स्टूडेंट्स को मेरी आवाज क्लियर है? हाँ, अभी जो है आधे घंटे में बंद हो जाएगा, ठीक है। गाना वाना चल रहा है, आप लोग भी एंजॉय करो भगवान का जो है गाना, ठीक है। तो कल हम लोगों ने जो है और गेट कंप्लीट किया था, और ये आपके और गेट का स्विचिंग सर्किट था, ये आपका और गेट का स्विचिंग सर्किट था। और अगर आप और गेट के स्विचिंग सर्किट को बनाना चाहते हैं तो पैरेलल स्विच, ये कैसा है, स्विच का पैरेलल कॉम्बिनेशन, इस स्विच के पैरेलल कनेक्शन को पल्स के साथ किसमें कनेक्ट कर दीजिए, सीरीज में कनेक्ट कर दीजिए, ठीक है। दैट इज पैरेलल स्विचेज, पैरेलल स्विचेज इन सीरीज विद द पल्स। ये जो पैरेलल कॉम्बिनेशन है स्विच का, वो आपके पल्स के साथ किसमें, सीरीज में, तो लिख लीजिए बेटा। और गेट के लिए हम क्या करते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ स्विचेज इन सीरीज, इन सीरीज विद द बल्ब, विद द बल्ब, ठीक है। जो आपका और गेट का स्विचिंग सर्किट होता है, दिस इज पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ स्विचेज इन सीरीज, इन सीरीज विद द बल्ब, इन सीरीज विद द बल्ब। चलिए अब जरा मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, हो गया, चलिए आ जाइए। नाउ आपको इसका आउटपुट बता दें, ठीक है। नाउ दिस इज द सर्किट विल बी देयर, ठीक है। यहां पर एक डायोड है, और बेटा मैं डायोड के कैथोड पे दरवाजा बंद है बेटा, डायोड के कैथोड पे बुलियन वेरिएबल अप्लाई करूं, सी एंड डी, डायोड के कैथोड पे एंड गेट का मैंने डायोड सर्किट बताया था,
अब देखेंगे ये आपका एंड गेट का डायोड सर्किट है, आउटपुट मैं यहां से ले रहा हूं, आउटपुट मैं यहां से ले रहा हूं, ठीक है। चलो दिस इज आउटपुट, यहां पर इन दोनों के आउटपुट को मैं इन दोनों डायोड के एनोड टर्मिनल पे कनेक्ट कर रहा हूं। और नाउ दिस इज द ओवरऑल आउटपुट ऑफ द सिस्टम, दिस इज द ओवरऑल आउटपुट ऑफ द सिस्टम। और बोल रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड द वैल्यू, फाइंड द बुलियन एक्सप्रेशन, फाइंड द बुलियन, फाइंड द एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन फॉर द आउटपुट वाई इन द गिवन सर्किट। हाँ देख लेंगे, आउटपुट का एक्सप्रेशन मुझे बताएं, व्हाट इज द एक्सप्रेशन ऑफ द आउटपुट, बता चुका हूं मैं आपको, आउटपुट का एक्सप्रेशन। अनुराग सिंह आपका गलत है, मयंक आपका भी गलत है, आप ही लोगों को बताना है वनिता आउटपुट। अभी कल ही बताया है तुम लोगों को, गौरव आपका बिल्कुल सही है, ए बी प्लस सी डी इज द राइट आंसर, अभी दिखना चाहिए तुम लोगों को। ये आपका डायोड सर्किट है, ये डायोड सर्किट है एंड गेट का, एंड गेट में अगर कैथोड पे, डायोड के कैथोड पे इनको अप्लाई करते हैं तो ये आउटपुट टर्न यहाँ ए टू बी प्रोड्यूस होगा, यहाँ कैथोड पे सी डी अप्लाई करेंगे तो सी टू डी अप्लाई करेगा। ये आपका और गेट का डायोड सर्किट है, और बेटा और गेट के डायोड सर्किट के एनोड्स पे अगर इनपुट अप्लाई करेंगे तो आउटपुट में आपका ए प्लस बी आएगा, यहाँ पर ए बी आ रहा है, यहाँ पर सी डी आ रहा है, तो यहाँ पर ए बी प्लस सी डी आएगा। मैं बता रहे यहाँ से देखिए, क्वेश्चन आप लोगों ने लिख लिया है, क्वेश्चन आप लोगों ने लिख लिया है। चलिए मैं आपको रिकॉल करता हूं, एंड गेट, एंड गेट डायोड सर्किट, एंड गेट डायोड सर्किट, एंड गेट का डायोड सर्किट ऐसा था, दिस इज द डायोड सर्किट ऑफ एंड गेट। नाउ दिस इज वीसीसी, यहां पर आपने डायोड के कैथोड पे भी अप्लाई किया, और बेटा ये जो आपका डायोड के एनोड है ना, इनको शॉर्ट किया है, एंड गेट में डायोड के एनोड्स को शॉर्ट किया, और इसी एनोड के शॉर्ट सर्किट से आप आउटपुट लेते हैं। नाउ दिस इज द आउटपुट यू कैन बी टेकन फ्रॉम हियर। तो अगर बेटा आपने जो है, दिस इज योर एंड गेट, आप इस पूरे को, आप एंड गेट का जो डायोड सर्किट होता है उसमें आउटपुट लेते हैं कहां से बेटा, जहां पर आप दोनों डायोड के एनोड को शॉर्ट सर्किट करते हैं उसी पॉइंट से आप आउटपुट लेते हैं। ये आपका एंड गेट है,
ये सर्किट दिखे तो दिस इज योर एंड गेट। आप इसकी जगह डायरेक्टली ये बना सकते हैं, ये एंड गेट है। एंड गेट पे आपने इनपुट पे अप्लाई किया है ए बी, तो आउटपुट में क्या मिलेगा, दोनों का और ए डॉट। तो अगर यहां मैं ए बी अप्लाई करूंगा और बेटा दोनों डायोड के एनोड के शॉर्ट सर्किट से आपने जो है आउटपुट टर्मिनल निकाला है, तो यहां पर क्या प्रोड्यूस होगा, ए बी प्रोड्यूस होगा। ठीक है, तो ये सर्किट दिखे तो इसकी जगह आपको एंड गेट बना देना है, ये मैं बता रहा हूं। और गेट का, और गेट डायोड सर्किट, और गेट में जो इनपुट अप्लाई करते हैं वो एनोड टर्मिनल में अप्लाई करते हैं। ध्यान से देखिए, दोनों डायोड के एनोड टर्मिनल पे क्या करते हैं, इनपुट अप्लाई करते हैं और दोनों के कैथोड टर्मिनल को शॉर्ट करते हैं। कैथोड शॉर्टेड होता है और इसी कैथोड शॉर्टेड से हम लोग आउटपुट निकालते हैं और इस कैथोड शॉर्टेड को हम लोग रजिस्टर के थ्रू ग्राउंड से कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, और बेटा यहां पर जो है अगर आपने अप्लाई किया ए एंड बी तो आउटपुट में मिलेगा आपको ए प्लस बी। मतलब आपके पास कभी भी ये सर्किट आपको दिख जाए तो आप इस सर्किट की जगह कौन सा गेट बना सकते हैं। आउटपुट हम ले रहे हैं दोनों के कैथोड सॉर्टेड पॉइंट से, दिस इज और गेट, दिस इज ए, दिस इज बी। तो आउटपुट में आपको मिलेगा वाई दैट इज ए प्लस, दिखना चाहिए ये। दोनों को अच्छे से देख लीजिए आप, क्या मेरी बात सहमत है। कल मैं आपको ये सब बता चुका हूं सर्किट। चलिए अब जरा देखिए, इतना बना लियो तो हम लोग आगे चले। इतना आपने बना लिया हो तो हम लोग आगे की तरफ चलें। चलिए, मेरे ख्याल से बना लिया होगा, अब हम लोग आगे की तरफ चल सकते हैं। ठीक है, ऊपर कर दें, ठीक है, चल आ जाइए। अब आपको दिखना चाहिए बेटा ये आपका जो है कौन सा गेट है बेटा, दोनों के बेटा डायोड के कैथोड में इनपुट अप्लाई करो, एनोड को शॉर्ट किया है और यहां से आउटपुट सिग्नल प्रोड्यूस होगा, शॉर्टेड एनोड शॉर्टेड से आउटपुट यहां पर मिलेगा। इसमें ये आपका कौन सा गेट का डायोड सर्किट है, ये एंड गेट है, दिखना चाहिए बेटा एंड गेट। ठीक है, ये भी आपका कौन सा गेट है, ये भी आपका एंड गेट है। दोनों डायोड के कैथोड पे इनपुट दे रहे हैं और आउटपुट सीआई आपके दोनों के एनोड को शॉर्ट करके यहां पर आउटपुट मिलेगा आपको, सिग्नल जो प्रोड्यूस होगा उस सिग्नल को बता सकते हैं। ये भी आपका एंड गेट है। ठीक है, दिखना चाहिए। हेलो, यहां पर ए बी दिया है, एंड गेट है, आउटपुट पे इस टर्मिनल में क्या प्रोड्यूस होगा, ए इंटू बी, इस टर्मिनल में सी इंटू डी। ठीक है, यहां पर दिख रहा होगा, यहां पर दोनों डायोड के एनोड पे सिग्नल दिया है और कैथोड को शॉर्ट करके आउटपुट निकाला है। ठीक है, तो ये आपका और गेट है, ये और गेट का डायोड सर्किट है, दिखना चाहिए ये। और गेट के एक इनपुट टर्मिनल पे आ रहा है ए बी और दूसरे पे आ रहा है सी डी, तो आउटपुट आ जाएगा दोनों का आर ऑपरेशन ए बी प्लस सी। क्या किसी को कोई दिक्कत है, दिस इज योर आउटपुट।
चलिए आज हम लोग दो गेट करेंगे, यूनिवर्सल गेट, बेसिक गेट कंप्लीट करा चुका हूं, यूनिवर्सल गेट की तरफ हम लोग पढ़ते हैं। आ जाइए, हो जाए तो मुझे इंटीमेट कर दीजिएगा, अपने यूनिवर्सल गेट की तरफ हम लोग पढ़ते हैं। हो गया, चलिए आ जाइए। हेडिंग डालिए यूनिवर्सल गेट्स। यूनिवर्सल गेट दो होते हैं, एक होता है नैंड और दूसरा होता है नॉर्थ। और इनको यूनिवर्सल गेट इसलिए बोल रहे हैं कि इन गेट्स की हेल्प से आप किसी भी गेट पे वो क्या कर सकते हैं, इंप्लीमेंटेशन कर सकते हैं, बना सकते हैं। अभी मैं बना के दिखाऊंगा, जैसे एंड गेट को नैंड या फिर नॉर गेट से बनाने के लिए कितने नैंड नॉर चाहिए होंगे, और गेट को अगर आप नैंड और नॉर से बनाना चाहते हो तो कितना। कृष्णा बाबू लेट है तो यूट्यूब पे आपको पड़ जाएगा, वहां पर आप देख लीजिएगा, दोबारा नहीं बता पाऊंगा टाइम से। यूनिवर्सल गेट आपके दो होते हैं, एक होता है नैंड गेट, एक होता है नॉर गेट। ठीक है, पहली हेडिंग इस प्रश्न में डाल लीजिए। टोटल अभी तक चार गेट पढ़ चुके हैं, ये पांचवा गेट है आपका। हेडिंग डाल लीजिए, पांचवा गेट है, दिस इज नैंड गेट। मतलब है कि आप जो है एंड गेट के आगे क्या लगा दीजिए, नॉट गेट लगा दीजिए, तो जो गेट बनेगा दैट गेट इज नथिंग बट द नैंड गेट। ठीक है, चलो यहां मैं बना रहा हूं सिंबल, बना रहा हूं, ठीक है, लॉजिकल सिंबल। फर्स्ट गेट, लॉजिकल सिंबल ऑफ नैंड गेट। नैंड गेट का जो लॉजिकल सिंबल है, दिस इज द लॉजिकल सिंबल। नाउ दिस इज एंड गेट, और इसके आगे आपको एक बबल लगा देना, ठीक है, एंड के आगे ये बबल मीन्स होता है नॉट। देखो ये गेट होता है बफर, हेलो, ये होता था बफर, ध्यान से सुनिए, ये आपके पास होता था बफर, यहाँ ए देते थे आउटपुट में। अगर मैं इस बफर के आगे ये बबल लगा देता था तो ये जो बबल होता था वो क्या करता था, इस ए का क्या कर देता था, कॉम्प्लीमेंट कर देता था ए बार। ठीक है, तो दैट इज नथिंग बट दिस इज द सिंबॉलिक लॉजिकल सिंबल ऑफ नैंड गेट। इसको हम लोग हमेशा कैसे समझेंगे, हेलो, इसको कैसे समझेंगे, दिस सिंबल, ये आपका एंड गेट के आगे मैंने नॉट गेट लगा रखा है। बबल रिप्रेजेंट करता है नॉट ऑपरेशन को, हेलो, हमेशा बबल का मतलब होता है नॉट ऑपरेशन। तो दिस सिंबल इज इक्विवेलेंट, हमेशा में यही समझना है माइंड में कि पहले आपका जो है एंड ऑपरेशन होगा, फिर एंड ऑपरेशन से जो रिजल्ट आएगा उसको हमें नॉट गेट से पास करना है, फिर नॉट ऑपरेशन करना है। नाउ दिस इज एंड, मैंने बनाया एंड से जो भी आउटपुट प्रोड्यूस होगा दैट इज पास थ्रू द नॉट गेट। ठीक है, दिस एंड दिस, इस सिंबल को हम हमेशा ये सिंबल कंसीडर करेंगे, एंड एंड गेट फॉलोड बाई नॉट गेट। हेलो, एंड गेट है उसका आउटपुट किसको फॉलो कर रहा है, नॉट ऑपरेशन को, नॉट गेट को फॉलो कर रहा है। तो आप बोल सकते हैं जो नैंड गेट है, नैंड गेट की डिफिनीशन क्या होगी, नैंड गेट इज नथिंग बट एंड गेट फॉलोड बाई नॉट गेट। हेलो, तो मैं लिख रहा हूं, नैंड गेट इज वॉट, नैंड
8 in what? Desage and 8 followed by not gate. ठीक है, मैं इस चीज को हमेशा अपने माइंड में ये समझूंगा। ठीक है, अच्छा एंड गेट में अगर जो है नैंड गेट में अगर आप इनपुट में ए भी अप्लाई करेंगे तो आउटपुट कितना आएगा, यहां से निकाल लेते हैं। नाउ आपने अपने नैंड गेट में इनपुट में ए और बी अप्लाई किया तो पहले क्या होगा बेटा, ये जो इनपुट है वो एंड ऑपरेशन होगा, पहले एंड गेट लगा, एंड गेट। तो ए और बी को जब हम एंड गेट से पास करेंगे तो आउटपुट में आएगा ए बी। एंड गेट जो है, एंड गेट का आउटपुट अब किससे पास करेगा, नॉट गेट से, तो ए बी का क्या हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट। तो यहां पर आ जाएगा दिस इज ए बी कॉम्प्लीमेंट। तो अगर आप नैंड गेट में ए और बी अप्लाई करते हैं, इनपुट में ए बी अप्लाई करते हैं, तो पहले इनका एंड ऑपरेशन होगा, उसके बाद नॉट ऑपरेशन होगा, तो दैट इज आउटपुट में मिलेगा ए बी बार आउटपुट। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? हमेशा इस चीज को ये समझना है, एंड गेट फॉलो कर रहा है किसको, नॉट गेट को, फॉलोड बाय नॉट गेट। ठीक है, चलिए दिस इज द लॉजिकल सिंबल। सेकेंड लॉजिकल ऑपरेशन के बारे में बात करते हैं। संदीप एमजीपी, आपका जो है नेट फ्लक्चुएट कर रहा था, स्क्रीनशॉट लेना। ठीक है, मैं नीचे कर देता हूं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पहले इतना लिख लीजिए सभी लोग। चलो हाँ भाई, जिसको स्क्रीनशॉट लेना जल्दी से स्क्रीनशॉट लो। ये क्वेश्चन मैंने आपको करवाया, पहला क्वेश्चन, जल्दी से स्क्रीनशॉट लो। जिसको भी स्क्रीनशॉट लेना है वो जल्दी से स्क्रीनशॉट, ये क्वेश्चन मैंने करवाया है। मेरे ख्याल से स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, आगे चल रहे हैं। उसके बाद ये मैंने आपको कुछ सिंबल बताए थे, इनका स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए। चलिए मेरे ख्याल से स्क्रीन शॉट हो गया, हम लोग अपने नैन गेट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट, ठीक है, सेकंड लॉजिकल एक्सप्रेशन के बारे में बात करते हैं। लॉजिकल और बूलियन एक्सप्रेशन ऑफ नैंड गेट। नैंड गेट का जो बूलियन एक्सप्रेशन होता है, अगर आप नैंड गेट के इनपुट में ए और बी अप्लाई करेंगे तो आउटपुट का बूलियन एक्सप्रेशन होगा ए बी का होल बार, ए बी कॉम्प्लीमेंट, ए बी कॉम्प्लीमेंट। तीसरा, ट्रुथ टेबल। ट्रुथ टेबल, ट्रुथ टेबल। अच्छा ये बताओ, हेलो, एंड गेट में जो आउटपुट आ रहा था उसका आपको कॉम्प्लीमेंट ले लेना। हेलो, एंड गेट का जो आउटपुट है, एक्सप्रेशन है, उसका आपको क्या कर देना, कॉम्प्लीमेंट ले लेना है। क्या ले लेना है, कॉम्प्लीमेंट, है ना अजय, मेरी बात समझ रहे हैं? एंड गेट का आपको क्या कर लेना है, एंड गेट का जो भी आउटपुट है जब उसको नॉट गेट से पास करेंगे तो कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। तो ये बताओ, एंड गेट की आपको ट्रुथ टेबल मालूम है? लो, एंड गेट की ट्रुथ टेबल 0 0 0 1 1 0 1 1। एंड गेट में क्या होता था, 0 0 आउटपुट इज 0 0 1 आउटपुट इज 0 1 0 आउटपुट इज 0 1 1 पे आउटपुट 1। अगर कोई भी एक इनपुट एंड गेट में 0 होता था तो आउटपुट हमेशा 0 होगा। नैंड गेट में बताओ आउटपुट क्या होगा, ये 0 है तो ये 1 हो जाएगा, ये 0 है तो 1 हो जाएगा, ये 0 है 1 हो जाएगा। तो ये नॉट गेट से पास करेगा आउटपुट, अरे आपका 1 था तो क्या हो जाएगा, 0।
तो नैंड गेट में हो जाएगा, किसी भी एक इनपुट के जीरो होने पे नैंड गेट का आउटपुट हमेशा कितना होता है वन। अगर कोई भी एक इनपुट जीरो हुआ, if any one of the input is zero, the output of the NAND gate is zero. Truth table आराम से बना ले, चल बना रहा हूँ truth table. जब कम से कम एक इनपुट जीरो होगा, आउटपुट इज ऑलवेज वन। ठीक है, चल ठीक है, चल ए बी अप्लाई किया, ए बी के चार कॉम्बिनेशन बनेंगे, जीरो जीरो, जीरो वन, वन जीरो, वन वन। हेलो, आउटपुट का बूलियन एक्सप्रेशन आपके पास है, ए की वैल्यू जीरो, बी की वैल्यू जीरो, व्हाट इज द वैल्यू, पहले इसका एंड ऑपरेशन होगा। हेलो, जीरो जीरो का एंड ऑपरेशन जीरो होगा, और जीरो का फिर कॉम्प्लीमेंट लेंगे, दैट इज द वन। ठीक है, दिस इज द वन। भैया कृष्ण जी का जन्म हो गया बगल में, वही हो रहा है। ठीक है, कृष्ण भगवान के लोगों ने जन्म करा दिया है सावन के महीने में। ठीक है, पंडित लोग जो है मस्त पार्टी पाए को छीलने में लगे हुए हैं, कहीं कृष्ण भगवान के जन्म करवा रहे हैं, कहीं राम जी का जन्मदिन करवा रहे हैं, लियो जन्म जन्म हो रहा है, कुछ दिनों बाद जो है रावण और कंस भी मार दिए जाएंगे, है ना। चलो ये बताओ, जीरो और वन का एंड ऑपरेशन कितना होगा, जीरो, और फिर जब हम उसका कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो आउटपुट कितना आएगा, वन। या फिर मैं बोल रहा हूं, जो आपका नेट गेट होता है उसमें जो है जो एंड गेट का आउटपुट होता है वो किसको फॉलो करता है, नॉट गेट को। तो बस आप आउटपुट का क्या कर दीजिए, कॉम्प्लीमेंट ले लीजिए। ठीक है, तो नेट एंड गेट में आउटपुट होता है जीरो 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 वन, इसका कॉम्प्लीमेंट लेंगे वन 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 जीरो। नाउ दिस इज ए और बी का पहले आप एंड ऑपरेशन कर लीजिए, जीरो आएगा और उसका फिर होल कॉम्प्लीमेंट लेंगे, दैट इज द वन। और बेटा जब आप नैंड गेट में वन वन अप्लाई करेंगे, वन वन अप्लाई करेंगे, तो बेटा वन एंड वन का पहले एंड ऑपरेशन हो जाएगा वन और फिर कॉम्प्लीमेंट, दैट इज द जीरो। दिस इज द ट्रुथ टेबल। ठीक है, या फिर एंड एंड ऑफ एंड गेट की आपको ट्रुथ टेबल मालूम है, एंड गेट की ट्रुथ टेबल में जो आउटपुट है, एंड गेट का आउटपुट इससे पास करेगा नॉट गेट से, तो एंड गेट की जो आउटपुट होगा, आउटपुट का ट्रुथ टेबल होगा, जब ये नॉट गेट से पास करेगा तो जो जीरो 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 वन था वो वन 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 जीरो पे हो जाएगा। अब यहां से आप देखें, दिस इज द ट्रुथ टेबल ऑफ द विच गेट, दिस इज नथिंग बट द ट्रुथ टेबल ऑफ नैंड गेट। ठीक है, नैंड गेट में जीरो जीरो अप्लाई करेंगे तो आउटपुट इज वन, जीरो वन अप्लाई करेंगे आउटपुट इज वन, या फिर वन जीरो अप्लाई करेंगे आउटपुट इज वन, और वन वन अप्लाई करेंगे तब आउटपुट हमेशा क्या होगा, जीरो। एंड गेट का आउटपुट का कॉम्प्लीमेंट, बिल्कुल मैं वही चीज बताने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, अब यहां पर ध्यान से दीजिए, अगर आपके पास नैंड गेट का आउटपुट या फिर ट्रुथ टेबल है, तो यहां से आप नैंड गेट के आउटपुट का बूलियन एक्सप्रेशन निकाल सकते हैं। देखो दोनों तरीके से आज मैं बता रहा हूं, पीओएस से भी बता रहा हूं, एसओपी से भी बता रहा हूं, ध्यान से देखिए। पहले मैं कैनोनिकल एसओपी फॉर्म यूज कर रहा हूं, कैनोनिकल एसओपी फॉर्म में अगर आप बूलियन एक्सप्रेशन लिखना चाहते हैं तो आउटपुट में जहां जहां भी लॉजिक वन होगा, जहां जहां भी आपका लॉजिक वन होगा, उसके करस्पॉन्डिंग जो इनपुट का कॉम्बिनेशन है वहां से क्या आएगा, मिन टर्म आएगा, और सारे मिन टर्म को ऐड करने तो एक्सप्रेशन आ जाएगा। मिन टर्म आपका प्रोडक्ट टर्म होता है, ठीक है, और मिन टर्म लिखते समय अगर जीरो है तो आपको वेरिएबल का कॉम्प्लीमेंट लिखना है, यहां से ए बार बी बार, ए बार बी, ए बी बार, तो आउटपुट का लॉजिकल एक्सप्रेशन होगा ए बार बी बार, ए बार बी, ए बी बार।
चलो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आप देखेंगे यहां से क्या कॉमन है, यहां से आपका ए बार कॉमन, बी बार प्लस बी प्लस ए बी बार, और आप देखेंगे बी प्लस बी कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा वन। ए बार प्लस ए बी, ठीक है। चलो अब जरा ध्यान से देखिए, अब मैं क्या करने वाला हूं यहां पर, यहां पर आप डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा दीजिए। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा देंगे तो ए बार ए के साथ भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ए बार बी बार के साथ भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो ए बार प्लस ए इंटू ए बार प्लस बी बार, और बेटा इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, वन। तो दिस इज इक्वल टू ए बार प्लस बी बार। हाँ, पीओएस फॉर्म से भी मैं बता रहा हूं, पीओएस फॉर्म से भी बता रहा हूं, ठीक है सर। डायरेक्ट मैक्स टर्म निकालें, बिल्कुल निकाल रहा हूं मैं, परेशान नहीं हूं, निकाल रहा हूं, ठीक है। अब देखो हम क्या कर सकते हैं, मुझे बेटा प्रोडक्ट टर्म चाहिए, आउटपुट का बुलियन एक्सप्रेशन कैनोनिकल एसओपी फॉर्म, एसओपी में प्रोडक्ट टर्म होता है, प्रोडक्ट टर्म, ये तो सम टर्म आ गया। मैं क्या करने वाला हूं, इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या, ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट, अगर मैं इसका डबल कॉम्प्लीमेंट कर दूं तो कोई दिक्कत है क्या किसी को, किसी भी वेरिएबल का डबल कॉम्प्लीमेंट कर देंगे तो वही रिजल्ट आएगा, ए बार प्लस बी बार, कोई दिक्कत है क्या किसी को। अब देखो इसको भूल जाओ, अब यहां पर क्या करेंगे, इस कॉम्प्लीमेंट को निकालने के लिए आप डी मॉर्गन्स लॉ लगा सकते हैं, ब्रेक द लाइन एंड चेंज द साइन। डी मॉर्गन्स जब लॉ लगाएंगे तो ये वाला जो बार होगा या फिर ये जो कॉम्प्लीमेंट है इसमें भी ब्रेक हो जाएगा, इसमें भी ब्रेक हो जाएगा, साइन बदल जाएगा। तो डी मॉर्गन्स लॉ यूज कर रहे हैं, ये तो आपका रहा एक ऊपर, इस नीचे वाले को आप ब्रेक कर रहे हैं, ब्रेक द लाइन और ये चेंज द साइन, क्या किसी को कोई दिक्कत है। और बेटा डबल कॉम्प्लीमेंट आपस में ये कट जाएंगे तो दिस इज नथिंग बट द ए डॉट बी, दिस इज द बुलियन एक्सप्रेशन ऑफ द नैंड गेट। ट्रुथ टेबल से आपने बुलियन एक्सप्रेशन निकाला, क्या किसी को कोई डाउट है, क्या किसी को कोई डाउट है। अब आप देखो अगर यहां पर आप जो है डायरेक्ट जो है कैनोनिकल पीओएस फॉर्म यूज करते हो तो डायरेक्ट रिजल्ट आता है, वहां से भी दिखा रहा हूं, पहले इतना लिख लीजिए, क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं, हो गया। मैक्स टर्म को लिख रहे हैं, देखो अगर आप जो है कैनोनिकल पीओएस फॉर्म चाहते हैं तो ट्रुथ टेबल में जहां भी आउटपुट आपका लॉजिक जीरो होगा, लॉजिक जीरो यहां पर है, इसके करस्पॉन्डिंग जो इनपुट है वहां से कौन सा टर्म आएगा, मैक्स टर्म, कौन सा टर्म आएगा, मैक्स टर्म, और जितने भी मैक्स टर्म होंगे सारे मैक्स टर्म को ऐड कर देंगे, मैक्स टर्म सम टर्म होता है। मैक्स टर्म लिखते समय अगर आपका वेरिएबल के नीचे वन लिखा है तो आप उसका क्या लिखेंगे, कॉम्प्लीमेंट, वन लिखा होगा तो आप कॉम्प्लीमेंट लिखेंगे। नाउ दिस इज नथिंग बट द मैक्स टर्म, क्या आएगा, ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट, यही आएगा, ये आपका मैक्स टर्म है, और एक केवल एक ही मैक्स टर्म है तो आपके आउटपुट का लॉजिकल एक्सप्रेशन हो जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट, जो कि यहां देखो डायरेक्ट आया था। अब इसको आप जो है प्रोडक्ट फॉर्म पे लिखना चाहते हैं तो फिर डी मॉर्गन्स लॉ यूज करना पड़ेगा, इसकी आप पूरे की जैसे रिटन है ये ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट का डबल कॉम्प्लीमेंट,
और बस डी मॉर्गन्स यहां पर लगा दीजिए। ब्रेक द लाइन, चेंज द साइन, तो डबल कॉम्प्लीमेंट कट जाएगा तो आउटपुट आ जाएगा ए बी का होल बार। चाहे आप कैनोनिकल बी ओ एस फॉर्म यूज करिए, चाहे आप कैनोनिकल एस ओ पी फॉर्म यूज करिए, रिजल्ट दोनों से सेम आएगा। ठीक है, अब जरा यहां पर ध्यान देंगे, इतना लिख लीजिए और उसके बाद एक बार तुच्छ टेबल को ध्यान दीजिएगा, तुच्छ टेबल को ध्यान से देखेंगे, नैंड गेट की तुच्छ टेबल को ध्यान देंगे। नैंड गेट में अगर कोई भी एक इनपुट, अगर एनी वन ऑफ द इनपुट विल बी जीरो तो आउटपुट इज ऑलवेज वन। अगर कोई भी एक इनपुट जीरो हो गया, कोई भी एक, कम से कम कोई भी एक इनपुट अगर जीरो होगा तो आउटपुट हमेशा वन होगा, अगर जीरो नहीं होगा तो आउटपुट हमेशा जीरो आएगा। ठीक है, यहां पर मैं ये लिख रहा हूं, अगर नैंड गेट में एनी वन ऑफ द इनपुट वेरिएबल इज जीरो तो आउटपुट इज ऑलवेज वन। यहां लिखो नोट करके, ऐसे यहां पर तीर लगाओ, अगर कोई भी एक एनी वन ऑफ द इनपुट विल बी जीरो इन द नैंड गेट आउटपुट इज ऑलवेज वन। कोई सभी एक इनपुट, अगर अगर इनपुट जीरो नहीं है, एक मिनट रुक जाइए, जरा थोड़ा सा टेक्निकल इशू है, रुकिए। रुकिए, मैं फिर से शेयर करता हूं। हाँ भैया, अवनीश पाल आप हैंड राइज कर रहे हैं, क्या दिक्कत है बताएं? आपको मेरी स्क्रीन और वॉइस बिल्कुल क्लियर हो गया? क्लियर है? चलिए, यहां नोट करके लिखिए, चलो, इन द नाइंथ गेट इफ एनी वन ऑफ द इनपुट इन द नैंड गेट इफ एनी वन ऑफ द इनपुट विल बी लॉजिक जीरो, अगर कोई भी एक इनपुट लॉजिक जीरो हो गया, विल बी लॉजिक जीरो, देन द आउटपुट ऑफ द नैंड गेट मस्ट बी लॉजिक वन। चलो, इनेबल और डिसेबल इनपुट बता दीजिए कौन होता है नैंड गेट में। हेलो, नैंड गेट और एंड गेट में इनेबल और डिसेबल इनपुट बिल्कुल सेम होगा, ध्यान से देखो, इतना लिखने के बाद ध्यान से देखिए,
गेट में क्या किया था, एंड गेट में ध्यान सुनो, हेलो यहां हो जरा, एंड गेट पे आते हैं। एंड गेट में अगर किसी भी एक टर्मिनल को अगर आपने लॉजिक जीरो से कनेक्ट कर दिया, हेलो एंड गेट में अगर किसी भी एक टर्मिनल को अगर आपने लॉजिक जीरो से कनेक्ट कर दिया तो हमेशा आपके एंड गेट का आउटपुट हमेशा कितना था, जीरो। दूसरे टर्मिनल में आप कुछ भी अप्लाई करते रहो, आउटपुट हमेशा क्या रहेगा, जीरो ही रहेगा। दैट इज कॉल्ड द डिसेबल इनपुट। एंड गेट में डिसेबल इनपुट क्या था, लॉजिक जीरो। अगर आपने एंड गेट के किसी एक टर्मिनल पे लॉजिक जीरो कनेक्ट कर दिया, आप दूसरे टर्मिनल में आप चाहे लॉजिक जीरो कनेक्ट करो, चाहे वन कनेक्ट करो, कुछ भी कनेक्ट करो, आउटपुट बदलेगा नहीं। सेम चीज देखो नेट गेट में, नेट गेट में अगर आपने किसी भी एक टर्मिनल पे क्या कर दिया, लॉजिक जीरो कर दिया। नेट गेट में ध्यान से देखेगा, किसी भी एक टर्मिनल पे आपने लॉजिक जीरो कनेक्ट कर दिया, दूसरे टर्मिनल में आप जीरो कनेक्ट करो चाहे वन कनेक्ट करो, क्या आउटपुट आपका कभी बदल रहा है, क्या आउटपुट कितने पे हमेशा, लॉजिक वन, इट कैन नॉट बी चेंज। तो नैंड गेट में जो आपका डिसेबल इनपुट होगा वो लॉजिक जीरो होगा। इनेबल इनपुट कौन होगा, इनेबल इनपुट कौन होगा, वन, क्या होगा, वन। अगर आपने नैंड गेट में किसी एक टर्मिनल पे, इनपुट टर्मिनल पे वन कनेक्ट कर दिया, वन अप्लाई करेंगे तो आउटपुट पे जीरो मिलेगा, ठीक है। एक में वन कर दिया, जीरो अप्लाई करेंगे तो आउटपुट में वन, मतलब जो भी आप इनपुट सेकंड टर्मिनल अप्लाई करेंगे उसका कॉम्प्लीमेंट। हेलो, एक टर्मिनल को आपने लॉजिक वन से कनेक्ट कर दिया, एक टर्मिनल को लॉजिक वन से कनेक्ट किया, अगर मैं दूसरे टर्मिनल पे जीरो अप्लाई करूंगा तो आउटपुट में हमेशा वन मिलेगा, और अगर दूसरे टर्मिनल में वन अप्लाई करूं तो आउटपुट में आपको लॉजिक, अगर मैं ए अप्लाई करूं तो उसका कॉम्प्लीमेंट मिलेगा। ध्यान से देखिए अब जरा, यहां मैं बना रहा हूं, नेक्स्ट लिखिए जरा, इनेबल एंड डिसेबल इनपुट फॉर नैंड गेट, ठीक है। चलो ये मेरा नैंड गेट है, एंड गेट फॉलोड बाई नॉट गेट। एंड गेट के आगे नॉट गेट लगा है, ठीक है। अब जरा ध्यान, अगर आप नैंड गेट में किसी एक टर्मिनल पे लॉजिक जीरो कनेक्ट करते हो, और मैंने बताया अभी लिखा है बेटा, नैंड गेट में अगर एनी वन ऑफ द इनपुट लॉजिक जीरो है तो आउटपुट हमेशा कितना होगा, वन। अब जरा ध्यान सुने, अगर मैंने नैंड गेट में किसी एक टर्मिनल पे लॉजिक जीरो कनेक्ट कर दिया, अब मैं दूसरे टर्मिनल पे चाहे आपका जो है जीरो लगाओ, आउटपुट हमेशा कितना रहेगा, वन। वन अप्लाई करूं तो भी आउटपुट कितना रहेगा, वन, और अगर मैं ए अप्लाई करूं तो भी आउटपुट कितना रहेगा, वन। हेलो, चेक कर लो नैंड गेट का आउटपुट क्या होता है, जो भी आपने इनपुट अप्लाई किया है पहले उनका एंड ऑपरेशन होगा, फिर उसके बाद उसका कॉम्प्लीमेंट ऑपरेशन होगा। जीरो और जीरो का एंड ऑपरेशन कितना होता है, जीरो, और फिर उसका जब आप नॉट ऑपरेशन लेंगे तो दैट इज द वन। वन जीरो का एंड होगा जीरो, और फिर उसका नॉट ऑपरेशन वन। ए और जीरो का एंड ऑपरेशन जीरो, और फिर उसका नॉट ऑपरेशन दैट इज द वन। आपको दिख रहा होगा कि अगर आपने नैंड गेट में किसी एक टर्मिनल को अगर आपने हमेशा लॉजिक जीरो कर दिया तो आपके नैंड गेट में आउटपुट में कोई बदल, दूसरे टर्मिनल में कुछ भी अब इनपुट अप्लाई करते हो, चाहे जीरो अप्लाई करो, वन अप्लाई करो, गेट रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, आउटपुट फिक्स है, गेट डिसेबल हो गया। दूसरे टर्मिनल पे इनपुट को चेंज करने पे ये तो फिक्स है,
ये वाला इनपुट टर्मिनल फिक्स है, यहाँ पर मैं इनपुट को बदलाव कर रहा हूँ लेकिन आउटपुट में कोई बदलाव नहीं हो रहा। तो दिस इज नैंड गेट के लिए डिसेबल इनपुट क्या होता है, लॉजिक जीरो। दिस इज द डिसेबल इनपुट फॉर नैंड गेट। ठीक है, चलो लॉजिक वन कनेक्ट करते हैं। नैंड गेट के एक टर्मिनल पे हमेशा लॉजिक वन कनेक्ट करते हैं, लॉजिक वन। अब देखो ये तो फिक्स हो गया, ये वाला फिक्स हो गया। अब दूसरे टर्मिनल में मैं इनपुट अप्लाई करूंगा, मान लो यहां पर मैं लॉजिक जीरो कनेक्ट करूंगा, तो व्हाट इज द आउटपुट। हेलो, व्हाट इज द आउटपुट जब दूसरे टर्मिनल में जीरो अप्लाई करेंगे। पहले एंडिंग होगी, एंडिंग होने के बाद जीरो होगा, जीरो बाद नॉट होगा, नॉट क्या हो जाएगा वन। अगर मैं दूसरे टर्मिनल पे एंड गेट के दूसरे टर्मिनल में जीरो अप्लाई करूं तो आउटपुट में आपको वन मिलेगा। दूसरे टर्मिनल में जो भी इनपुट अप्लाई करें उसका कॉम्प्लीमेंट, अगर मैं दूसरे टर्मिनल में वन अप्लाई करूंगा तो आउटपुट में आपको जीरो मिलेगा, और अगर दूसरे टर्मिनल में मैं ए अप्लाई करूंगा तो आउटपुट में आपको मिलेगा ए कॉम्प्लीमेंट। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, क्या मेरी बात समझ रहे हैं, क्लियर है, क्या कोई डाउट। तो इसका मतलब यह हुआ कि अगर मैं नैंड गेट के किसी एक भी इनपुट टर्मिनल को लॉजिक वन से कनेक्ट कर दूं, उसके बाद अगर मैं दूसरे टर्मिनल के इनपुट में बदलाव करूंगा तो मेरे नैंड गेट के आउटपुट में भी बदलाव हो रहा है। जो भी मैं दूसरे टर्मिनल में इनपुट अप्लाई करूं उसका कॉम्प्लीमेंट आउटपुट में मिल रहा है, कॉम्प्लीमेंट आउटपुट में मिल रहा है। तो दैट इज लॉजिक वन आपका नैंड गेट के लिए क्या होगा, आउटपुट प्रोड्यूस कर रहा है, दूसरे टर्मिनल में इनपुट को चेंज करने पे आउटपुट चेंज हो रहा है। तो दिस इज द इनेबल, मतलब गेट आपका वर्किंग कंडीशन में है। इनेबल इनपुट फॉर एंड गेट। और बेटा एंड गेट में, हेलो, एंड गेट में भी जीरो आपका डिसेबल होता है और आपका लॉजिक वन इनेबल होता है। तो जो बेटा आपका एंड गेट में डिसेबल और इनेबल इनपुट था, हेलो, एंड गेट के लिए डिसेबल क्या था, जीरो, इनेबल क्या था, वन, वही आपका इनपुट आपके नैंड गेट के लिए डिसेबल और इनेबल होता है। मतलब नैंड और एंड गेट में इनेबल और डिसेबल इनपुट बराबर होते हैं। नैंड गेट और एंड गेट में व्हाट इज द डिसेबल इनपुट, लॉजिक जीरो। नैंड और एंड गेट में व्हाट इज द इनेबल इनपुट, लॉजिक वन। लिखे जरा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फॉर एंड गेट एंड नैंड गेट इनेबल इनपुट एंड डिसेबल इनपुट आर सेम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे जो एंड गेट था, एंड गेट में अनयूज्ड टर्मिनल जो होता था, अनयूज्ड इनपुट या फिर फ्लोटिंग इनपुट को आप जैसे कनेक्ट करते थे। एंड गेट में फ्लोटिंग टर्मिनल को आप किससे कनेक्ट करते, या तो लॉजिक वन से कनेक्ट करते थे क्योंकि वो इनेबल इनपुट होता था, या फिर किसी भी एक यूज्ड इनपुट से कनेक्ट कर देते थे, या फिर टीटीएल लॉजिक फैमिली में जो अनयूज्ड या फिर फ्लोटिंग इनपुट था वो हमेशा क्या होता है, खुला छोड़ दिया जाता है, वो ऑटोमेटिक लॉजिक वन पे होता है। जो चीज अनयूज्ड इनपुट के लिए एंड गेट में थी, सेम चीज हम लोग नैंड गेट में भी करते हैं। मतलब नैंड गेट में भी अगर आपके पास अनयूज्ड टर्मिनल होगा तो सबसे पहले हम उसको किससे कनेक्ट करेंगे, लॉजिक वन से, बिकॉज लॉजिक वन नैंड गेट के लिए कैसा है, इनेबल इनपुट है, ठीक है। दूसरा, अगर मान ली लॉजिक वन से नहीं कनेक्ट कर रहे तो किसी भी एक अनयूज्ड इनपुट से कनेक्ट कर देंगे, और अगर टीटीएल लॉजिक फैमिली का यूज करके नैंड गेट बनाया जाएगा तो अनयूज्ड इनपुट को खुला छोड़ दिया जाता है, वो ऑटोमेटिकली लॉजिक वन में कंसीडर किया जाता है। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, नेक्स्ट पॉइंट
द अनयूज्ड इनपुट और फ्लोटिंग इनपुट इन द नैंड गेट कैन बी कनेक्टेड सिमिलर सिमिलर टू अनयूज्ड इनपुट आर फ्लोटिंग इनपुट टू द एंड गेट जैसा हम लोग एंड गेट में अनयूज्ड इनपुट के लिए कनेक्शन करते थे सेम कनेक्शन मतलब यहां भी आपका अनयूज्ड इनपुट होगा तो पहले लॉजिक वन से कनेक्ट करेंगे फिर किसी भी एक यूज से कनेक्ट करेंगे फिर टीटीएल लॉजिक का होगा तो उसको ऐसे खुला छोड़ देंगे वो आपका लॉजिक वन पे आ जाएगा मेरी बात समझ रहे ना अनयूज्ड इनपुट और फ्लोटिंग इनपुट इन द नैंड गेट इज कनेक्टेड सिमिलर टू अनयूज्ड और फ्लोटिंग इनपुट टू द एंड गेट मेरी बात समझ रहे हैं चल नेक्स्ट छठवां लिखिए छठवां हम बात करने हैं कि जितने भी यूनिवर्सल गेट होते हैं चाहे नैंड गेट हो चाहे नॉर गेट हो वो आपके एसोसिएटिव लॉ को फॉलो नहीं करते लेकिन वो आपके कॉम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करते हैं ठीक है पॉइंट पांच समझा दीजिए भैया पॉइंट पांच वही लिखा है कि जैसे एंड गेट में हेलो कुछ भी नहीं पढ़ते हो यार तुम लोग को देख के ना मेरा माइंड डिस्टर्ब हो जाते हो तो बस क्लास ही बंद करो मैं जब बता रहा होता हूं तो तुम लोग कहां होते हो यार यहां पर देखिए एंड गेट में मैंने आपको बताया था वेयर इज द एंड गेट एंड गेट में मैंने बताया था कि अनयूज्ड इनपुट जो होता है फिर फ्लोटिंग इनपुट में पहला ऑप्शन है आप उसको लॉजिक वन से कनेक्ट करें बिकॉज लॉजिक वन इसके लिए इनेबल इनपुट होता है तो नैंड गेट में भी अनयूज्ड इनपुट को किससे कनेक्ट करेंगे लॉजिक वन से या फिर किसी भी एक इनपुट को फ्लोटिंग इनपुट या फिर अनयूज्ड इनपुट को किसी भी एक यूज इनपुट से कनेक्ट कर दीजिए जो एंड गेट में करते तो सेम नैंड गेट में करेंगे या फिर अगर आपका नैंड गेट टीटीएल लॉजिक फैमिली से कनेक्ट होगा तो इस फ्लोटिंग इनपुट को खुला छोड़ देंगे ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा वन की तरह कंसीडर किया जाएगा वही तो लिखा है जैसा एंड गेट में था अनयूज या फिर आपका फ्लोटिंग इनपुट के लिए कॉन्सेप्ट सेम कॉन्सेप्ट आपको नैंड गेट में भी यूज कर रहा है वही पॉइंट मैंने लिखाया है क्या पढ़ रहे हो तुम द अनयूज इनपुट और फ्लोटिंग इनपुट इन द नैंड गेट कैन बी कनेक्टेड सिमिलर एक जैसा टू द अनयूज और फ्लोटिंग इनपुट ऑफ द एंड गेट समझ गए चल अब यहां हम बात करते हैं कि जो मेरा नैंड गेट या फिर जितने भी यूनिवर्सल सर्किट होते हैं या फिर यूनिवर्सल गेट होते हैं वो सारे के सारे आपके कौन से लॉ को फॉलो करेंगे वो आपके दैट इज कॉम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करेंगे ठीक है मतलब आपके क्रम विनिमय नियम को फॉलो करेंगे मतलब अगर मेरे पास दो नैंड गेट है एक बार मैंने क्या किया कि पहले नैंड गेट में ऊपर वाले टर्मिनल में अप्लाई किया नीचे वाले में भी अप्लाई किया तो आपके नैंड गेट का आउटपुट आएगा अगर दूसरे नैंड गेट में मैं अपने इनपुट को इंटरचेंज कर दूं बी को पहले वाले में अप्लाई करूं नीचे ए में अप्लाई करूं तो क्या नैंड गेट का आउटपुट बदल जाएगा नहीं सिमिलर तो मैं इस चीज को बता देता हूं तो दैट इज अगर आपका कोई गेट किसी गेट के इनपुट को इंटरचेंज करने पे अगर गेट का आउटपुट में बदलाव नहीं हो रहा गेट सेम आउटपुट प्रोड्यूस कर रहा तो दैट इज कॉल्ड इट कैन बी फॉलो द कॉम्यूटेटिव लॉ ठीक है यहां मैं लिख रहा हूं ठीक है चलो देखते हैं ध्यान से सुनिएगा ये मैं ले रहा हूं ये मेरे पास
नैंड गेट है, नैंड गेट इज व्हाट, एंड गेट फॉलोड बाय नॉट गेट। नाउ दिस इज, मैंने पहले आपके नैंड गेट में इनपुट अप्लाई किया ए बी, ऊपर वाले टर्मिनल में ए अप्लाई किया, नीचे वाले में बी अप्लाई किया, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ दिस नैंड गेट, नैंड गेट का आउटपुट कितना आएगा? हेलो ए बी, यहां से बेटा ए बी आएगा, वो ए बी नॉट गेट से पास करेगा तो आउटपुट आएगा ए बी कॉम्प्लीमेंट, आएगा ना। चलो अब मैंने क्या किया, नैंड गेट में जो मैंने इनपुट अप्लाई किए थे उनको इंटरचेंज किया, ऊपर वाले टर्मिनल में बी अप्लाई किया, नीचे वाले में ए अप्लाई किया, व्हाट इज द आउटपुट? देखो ये दोनों जाएंगे, इनका एंड ऑपरेशन होगा, फिर नॉट ऑपरेशन होगा, व्हाट इज द आउटपुट? b into a का कॉम्प्लीमेंट। क्या ये दोनों बराबर है मैथमेटिकली, मुझे बताओ, चेक कर लेते हैं, a और b की वैल्यू ले लो कुछ और चेक करो क्या ये दोनों बराबर आ रहे हैं। मान लो a की वैल्यू मैंने ले ली 0 और b की वैल्यू ले ली 1, 0 1, 0 और 1 का एंड ऑपरेशन आएगा 0 और उसका कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा, ये आएगा 1। इस एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालो, b की वैल्यू आपने ली है 1, a की वैल्यू ली है 0, इसका एंड ऑपरेशन करेंगे 0 और 0 का कॉम्प्लीमेंट आएगा 1। क्या दोनों लॉजिकल एक्सप्रेशन बराबर आ रहे हैं? बराबर आ रहे हैं, बिल्कुल बराबर आ रहे हैं। तो जैसे दोनों लॉजिकल एक्सप्रेशन कैसे हैं? बराबर। तो ध्यान से सुनिए, अगर किसी गेट में ये नैंड गेट है, नैंड गेट में अगर आप इनपुट टर्मिनल को, इनपुट वेरिएबल को इंटरचेंज कर दे, तब भी अगर गेट आपका सेम आउटपुट प्रोड्यूस कर, ये दोनों इक्वल हैं, इक्वल, तो वो गेट कौन से लॉ को फॉलो करेगा? दैट इज कम्यूटेटिव लॉ। यहां लिख रहा हूं, लिखिए, नैंड गेट विल फॉलो द कॉम्यूटेटिव लॉ, फॉलो कॉम्यूटेटिव लॉ। और कॉम्यूटेटिव लॉ क्या होता है बेटा? नैंड गेट ना, नैंड गेट में क्या होगा, जो भी वेरिएबल है उनका आपको क्या करना पड़ेगा, कॉम्प्लीमेंट। नैंड गेट कॉम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करा, मतलब दैट इज ए बी का कॉम्प्लीमेंट ये बराबर होगा। हेलो, इनपुट की पोजीशन चेंज करें, किसी को पहले कर दी, किसी को बाद में करें, तो भी आपका आउटपुट नैंड गेट, हेलो, पहले मैंने टर्मिनल ए बी अप्लाई किया, दूसरे टर्मिनल बी अप्लाई किया, व्हाट इज द आउटपुट? पहले एंड ऑपरेशन होगा, फिर आपका नॉट ऑपरेशन होगा। फिर मैंने इनपुट की पोजीशन को चेंज कर दिया, पहले मैंने बी अप्लाई किया, फिर ए अप्लाई किया, और फिर उसके बाद जैसे था, ये दोनों कैसे होंगे? बराबर। क्या मेरी बात समझ रहे हैं? हेलो, पहले वाले टर्मिनल में ए अप्लाई किया, नेट गेट में से बी अप्लाई किया, तो आउटपुट कितना आएगा? ए बी का होल कॉम्प्लीमेंट। फिर मैंने क्या किया, इनपुट की पोजीशन को इंटरचेंज कर दिया, ऊपर बी अप्लाई किया, व्हाट इज द आउटपुट? That is AB का whole complement, ये दोनों बराबर होते हैं। तो that is called, आपने गेट के इनपुट की पोजीशन को इंटरचेंज कर दिया, लेकिन गेट के आउटपुट दोनों क्या रहे हैं? बराबर। इनपुट की पोजीशन को इंटरचेंज करने पे गेट के आउटपुट क्या हो रहे हैं? बराबर आ रहे हैं। तो that is called the commutative law को follow करना। चलिए हो गया, next सातवां associative law। नैंड गेट या फिर जितने भी यूनिवर्सल लॉ, यूनिवर्सल गेट होते हैं, वो कोई भी एसोसिएटिव लॉ को फॉलो नहीं करते। कल मैंने बताया था एसोसिएटिव लॉ का मतलब क्या है। एसोसिएटिव लॉ का मतलब है कि अगर आपके पास 3 इनपुट का गेट है, आप उसको 2 इनपुट के गेट से नहीं बना सकते। दोनों, अगर मैं उसको 2 इनपुट के गेट से बनाने की कोशिश करूंगा तो आउटपुट अलग आ जाएगा, ठीक है। एसोसिएटिव लॉ का मतलब समझिएगा, ध्यान से देखिए, मैं समझाने की कोशिश करता हूं। क्या इतना हो गया? आगे चले, ध्यान से देखिए,
कल मैंने आपको एसओसीटी लॉ बताया था, और गेट एसओसीटी लॉ को फॉलो किया था। तो और गेट को हमने प्रूफ कर लिया कि और गेट में पहले मैंने 3 इनपुट का और गेट लिया और उसका आउटपुट निकाला। अब मैंने एसओसीटी लॉ को प्रूफ करने के लिए इस 3 इनपुट के और गेट को किससे बनाने की कोशिश की, 2 इनपुट के और गेट की हेल्प से। कैसे बनाया, पहले मैंने 2 इनपुट का और गेट लिया, उसका जो आउटपुट है वो नेक्स्ट और गेट के इनपुट में अप्लाई किया और तीसरा इनपुट आपका इसमें अप्लाई किया, उसके बाद आउटपुट निकाला। अगर ये दोनों आउटपुट क्या हो गए, बराबर हो गए, तभी आपका जो है वो गेट कौन से लॉ को फॉलो करेगा, एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करेगा। ठीक है, जरा देखते हैं क्या बराबर आते हैं कि नहीं। आ जाइए, चेक कर रहे हैं नैंड गेट, बराबर नहीं आएगा। ध्यान से देखिए, सबसे पहले मैंने नैंड गेट एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करता है कि नहीं। एसोसिएटिव लॉ के लिए 3 इनपुट जरूरी है, 3 इनपुट ए बी सी। ठीक है, पहले मैंने क्या किया, ये मैंने नैंड गेट लिया, 3 इनपुट का नैंड गेट लिया, एंड गेट फॉलोड बाय नॉट गेट। तीन इनपुट का नैंड गेट है, इनपुट अप्लाई किया ए बी सी, व्हाट द आउटपुट ऑफ द नैंड गेट, पहले इनका एंड ऑपरेशन होगा फिर उसका कॉम्प्लीमेंट होगा, तो आ जाएगा ए बी सी का होल वर्क। क्या किसी को कोई दिक्कत है, क्या कोई दिक्कत नहीं है। अब एसोसिएटिव लॉ के लिए हम इस 3 इनपुट के नैंड गेट को 2 इनपुट के 2 नैंड गेट की हेल्प से बनाने की कोशिश करते हैं। लेकिन आप देखें, पहले मैंने क्या किया, पहले मैंने एक नैंड गेट लिया, ध्यान से देखिएगा, एक मैंने 2 इनपुट का नैंड गेट लिया, इसमें अप्लाई किया एबी, तो क्या आउटपुट निकलेगा, एबी का कॉम्प्लीमेंट। फिर मैंने इस नैंड गेट के आउटपुट को दूसरे नैंड गेट के से क्या किया, पास किया, और इस नैंड गेट में एक तीसरा इनपुट अप्लाई किया सी, अब इसका आउटपुट निकाला। क्या आउटपुट आएगा बेटा, यहां पर कितना आ रहा है, ए बी का होल बार, दिस इज सी। पहले एंड ऑपरेशन होगा, पहले एंड ऑपरेशन होगा, फिर उस पूरे का नॉट ऑपरेशन होगा, होल कॉम्प्लीमेंट करके ये आएगा। अब मुझे ये बताओ, क्या ये दोनों एक्सप्रेशन बराबर है, चेक कर लो वैल्यू लेके, अगर आपको लिख रहा है, वैसे दिख रहा है कि भाई ये दोनों बराबर नहीं है, दोनों बराबर नहीं है, चेक कर लो क्या दोनों की वैल्यू आपकी बराबर आती है कि नहीं। ध्यान से देखिए, मैंने 3 इनपुट के नैंड गेट को 2 इनपुट के नैंड गेट से बनाने की कोशिश की, और बनाने की कोशिश की, अगर दोनों का आउटपुट सेम आ जाता तो 3 इनपुट नैंड गेट अगर 2 इनपुट के नैंड गेट से इंप्लीमेंट हो जाएगा तो एसोसिएटिव लॉ को फॉलो। क्या ये दोनों बराबर है, चेक कर लेते हैं, हेलो चेक कर लेते हैं। मैं मान लेता हूं ए की वैल्यू मान लेता हूं 1, बी की वैल्यू मान लेता हूं 0 और सी की वैल्यू मान लेता हूं 1, चेक करते हैं। इन वैल्यू के लिए जरा ये बताओ, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस, इनके लिए अगर मैं वैल्यू निकालू इस एक्सप्रेशन, इन वैल्यू के लिए इसकी वैल्यू कितनी आएगी, इस एक्सप्रेशन की वैल्यू कितनी आएगी, ये वैल्यू कितनी आएगी बेटा जरा बताओ, ए की वैल्यू है 1, बी की वैल्यू 0 एंड दिस इज 1, एंड ऑपरेशन है, एक भी अगर वेरिएबल 0 हो गए तो आपका जो है ये एंड ऑपरेशन 0 हो जाएगा, 0 का कॉम्प्लीमेंट लेंगे आएगा 1। ठीक है, यहां पर इसको निकालते हैं, इस इनपुट के लिए इस बुलियन एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालते हैं, अगर दोनों बराबर आएगा तो सेम एक्सप्रेशन होगा। ध्यान से देखिएगा, यहां पर याद आ रहा है, हेलो ए बी, ए की वैल्यू है 1, बी की वैल्यू 0, फिर इसका आपको कॉम्प्लीमेंट लेना है, फिर जो चीज आएगा उसके साथ सी का
आपको एंड ऑपरेशन करना है, फिर उसके बाद कॉम्प्लीमेंट लेना। तो ये बताओ इतने पार्ट की वैल्यू कितनी हो। ए का एंड ऑपरेशन जीरो के साथ करेंगे तो जीरो आएगा, जीरो का कॉम्प्लीमेंट इंटू वन इंटू का होल कॉम्प्लीमेंट, होल कॉम्प्लीमेंट जीरो का कॉम्प्लीमेंट वन इंटू वन क्या आएगा, वन इंटू वन, वन का एंड ऑपरेशन वन के साथ वन आ जाएगा और वन का कॉम्प्लीमेंट कितना आ जाएगा जीरो। तो इस एक्सप्रेशन की वैल्यू कितनी हो रही, जीरो। क्या दोनों बुलियन एक्सप्रेशन की वैल्यू बराबर आ रही है क्या, नहीं बराबर नहीं आ रही। अगर बराबर नहीं आ रही तो ये दोनों बुलियन एक्सप्रेशन बराबर नहीं है। तो मैंने बताया था कि एसोसिएटिव लॉ का मतलब होता है कि तीन इनपुट का आप जो है नैंड गेट लीजिए और फिर उसी तीन इनपुट के नैंड गेट को दो इनपुट के नैंड गेट से इस तरह से इंप्लीमेंट करिए। अगर दोनों के आउटपुट एक्सप्रेशन बराबर आ जाएंगे तो आपका जो है वो गेट आपका एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करेगा। क्या आपका बराबर आ रहा है, क्या बराबर नहीं आ रहा, तो आप लिखेंगे दैट इज, दिस इज इंपॉर्टेंट, सो दैट, यहां पर लिखेंगे सो दैट और गेट में बराबर आया था, एंड गेट में बराबर आया था, चेक कर लो एक्सप्रेशन, सो दैट नैंड गेट विल नॉट फॉलो फॉलो द एसोसिएटिव लॉ, साहचर्य का नियम फॉलो नहीं करता। बिल्कुल बनाना है, हाँ तुम इसको डी मॉर्गन से सॉल्व करके देख लो तब भी ये बराबर नहीं आएंगे। ये आपका आ जाएगा ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार और इसको जब निकालेंगे तो ये आपका आ जाएगा ब्रेक द लाइन चेंज द साइन, दिस इज ए बी प्लस सी बार, तब भी बराबर नहीं आएंगे। नैंड गेट, जो नैंड गेट होता है, नैंड गेट आपके एसोसिएटिव लॉ को फॉलो नहीं करता। मतलब कि पहले आप क्या करिए, दो इनपुट का नैंड ऑपरेशन कर लीजिए और फिर उसके रिजल्टेंट को तीसरे इनपुट के साथ नैंड ऑपरेशन करिए, ये बराबर नहीं होगा। हेलो, नैंड गेट, नैंड ऑपरेशन, नैंड गेट आपके साहचर्य के नियम को फॉलो नहीं करते, एसोसिएटिव लॉ। मतलब पहले अगर मैं दो इनपुट का नैंड ऑपरेशन करूं और फिर दो इनपुट के नैंड ऑपरेशन को करने के बाद उसका मैं तीसरे इनपुट के साथ नैंड ऑपरेशन करूं तो रिजल्ट बराबर नहीं आएगा। मेरा कहने का मतलब यह है, हेलो, एसोसिएटिव लॉ का नैंड गेट, नैंड गेट, तो पहले आपको क्या करना, दो इनपुट, हेलो, दो इनपुट का नैंड ऑपरेशन करिए। ए बी का नैंड ऑपरेशन क्या होगा, ए बी बार, ए बी का नैंड ऑपरेशन क्या होगा, ए बी बार। अब इसका आप जो है क्या करेंगे, नैंड ऑपरेशन करेंगे तीसरे इनपुट के साथ, तो ये एक इनपुट हो गया ए बी बार, तीसरा इनपुट है सी, उसके साथ मैं क्या करूंगा, तीसरे इनपुट के साथ नैंड ऑपरेशन करूंगा, ये बराबर नहीं होगा। इसके पहले आप बी सी का नैंड ऑपरेशन कर लीजिए, फिर इस नैंड ऑपरेशन को तीसरे वेरिएबल के साथ क्या करिए बेटा, नैंड ऑपरेशन करिए, ये बराबर नहीं होंगे, ये दोनों बराबर। मेरा समझ रहे ना कहने का मतलब, हेलो, देखो ये चीज मैंने बोला कि नैंड गेट आपका एसोसिएटिव लॉ को फॉलो नहीं करता। तो पहले आपने क्या किया, दो इनपुट का आपने नैंड ऑपरेशन किया, फिर आपने इस नैंड ऑपरेशन को, या फिर ये जो आपके पास दो इनपुट का नैंड ऑपरेशन किया, फिर उसके बाद उसको मैंने तीसरे इनपुट के साथ नैंड ऑपरेशन किया, तो ये आपका एक वेरिएबल है, ये दूसरा है, इसके साथ नैंड, तो दोनों का पहले एंड हुआ फिर नॉट ऑपरेशन पास हुआ। या फिर आप पहले बीसी का नैंड ऑपरेशन कर लीजिए, फिर इस नैंड ऑपरेशन को तीसरे वेरिएबल के साथ नैंड ऑपरेशन कर, ये बराबर नहीं होंगे। मेरा कहने का ये मतलब है, क्या मेरी बात समझ रहे, इन दोनों को निकाल के देख लीजिए बराबर नहीं आए, एंड दिस इज नॉट इक्वल टू, हेलो, दिस इज नॉट इक्वल टू, पहले आप एसी का नैंडिंग कर लीजिए, फिर इसको आप जो है बी के साथ रिमेनिंग इनपुट के साथ इसकी नैंडिंग कर लीजिए, ये भी बराबर नहीं होंगे। मेरी बात समझ रहे हैं, चंचल यादव, समझ रहे ना, दिस इज कॉल्ड द
एसोसिएटिव लॉ। ठीक है, अब नोट करके लिखो जरा, यहां पर एक नोट लिखो, जितने भी यूनिवर्सल लॉ यूनिवर्सल गेट होंगे, यूनिवर्सल गेट कौन कौन से होते हैं, नैंड और नॉर, जितने भी यूनिवर्सल गेट होते हैं ए की वैल्यू वन और जीरो आपने माना है क्या सर, ए की वैल्यू मैंने वन मान लिया, बी की वैल्यू जीरो मान, तुम कोई और वैल्यू मान लो तीन वेरिएबल के लिए, कोई सभी कॉम्बिनेशन लो कभी बराबर नहीं आए, मेरा कहने का ये मतलब है। अगर बेटा और गेट एंड गेट होता, एंड गेट में अगर पहले मैं ए बी की एंडिंग कर दूं और फिर उसके बाद उसकी सी के साथ एंडिंग कर लूं, और पहले आप बी सी की एंडिंग कर लें फिर रिमेनिंग सी के साथ एंडिंग कर लें, ये दोनों बराबर होते थे, एंड गेट आपका एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करता है, मतलब पहले आप क्या करिए ए बी की एंडिंग कर लीजिए फिर उसके बाद इसकी सी के साथ एंडिंग कर लीजिए, दैट इज इक्वल टू पहले बी सी की एंडिंग कर लीजिए फिर आप ए के साथ एंडिंग कर लीजिए, एंड गेट और गेट में क्या था, पहले ए और बी का ऑरिंग कर लीजिए रिमेनिंग के साथ ऑरिंग कर लीजिए, या फिर बी सी की ऑरिंग कर लीजिए फिर रिमेनिंग के साथ ऑरिंग, लेकिन नैंड गेट में पहले ए बी की नैंडिंग करिए फिर इसकी रिमेनिंग के साथ नैंडिंग करिए, पहले आप बी सी की नैंडिंग करिए फिर रिमेनिंग के साथ एंडिंग करिए, बराबर नहीं होंगे, नोट करके लिखो, नोट करके, जितने भी यूनिवर्सल गेट होते हैं वो केवल और केवल कौन से लॉ को फॉलो करते हैं, कॉम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करते हैं, कॉम्यूटेटिव लॉ को, वो आपके एसोसिएटिव लॉ को फॉलो नहीं करते, दिस इज द इंपॉर्टेंट, चाहे नैंड हो चाहे नॉर हो कोई सा भी यूनिवर्सल गेट हो, लिखे द यूनिवर्सल गेट्स, यूनिवर्सल गेट में कौन कौन से गेट आएंगे, दैट इज नैंड एंड नॉर, यूनिवर्सल गेट दैट इज नैंड और नॉर गेट, डज नॉट फॉलो एसोसिएटिव लॉ, बट दे आर ऑलवेज फॉलो, दे आर ऑलवेज फॉलो कम्यूटेटिव लॉ, वो केवल और एक केवल कम्यूटेटिव लॉ ही फॉलो करते हैं। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। चलिए स्विचिंग सर्किट हम लोग देखते हैं, स्विचिंग सर्किट, चलो पहले मैं ट्रांजिस्टर सर्किट बता देता हूं आपको, ट्रांजिस्टर सर्किट, स्विचिंग सर्किट बना देता हूं, ट्रांजिस्टर सर्किट बना देता हूं, ठीक है, ध्यान से देखिएगा जरा, यहां पर आओ, ट्रुथ टेबल से देखते हैं, अगर कोई भी एक ट्रांजिस्टर, हेलो, अगर कोई भी एक ट्रांजिस्टर क्या हो गया बेटा, ऑफ हो गया, हेलो, कोई भी एक ट्रांजिस्टर सर्किट देख रहे, अगर कोई भी एक ट्रांजिस्टर ऑफ हो गया तो हमेशा आपका आउटपुट कितना होगा, हाई होगा, लॉजिक वन, मतलब आउटपुट पे हाई वोल्टेज अपीयर होगा, अगर कोई भी एक ट्रांजिस्टर आपका ऑफ है तो हमेशा आउटपुट हाई है, आउटपुट पे हाई कब पहुंचता था, जब करंट फ्लो नहीं करता था, करंट फ्लो नहीं करता था तभी आउटपुट पे हाई वोल्टेज आता था, अगर दोनों ट्रांजिस्टर ऑन हो गए ना तो आउटपुट पे लो वोल्टेज पहुंचेगा। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, मैं बना रहा, बेटा 111 लेने पे इक्वल आ रहा, सारे जितने भी कॉम्बिनेशन सबके लिए ट्रू होना चाहिए, किसी एक कॉम्बिनेशन, हेलो, तीन इनपुट है, तीन इनपुट के आठ कॉम्बिनेशन, आठों कॉम्बिनेशन के लिए और ये बराबर होने चाहिए, तब इनको बराबर बोलेंगे, संतोष कुमार, आठ कॉम्बिनेशन बनते हैं, आठों के लिए ये दोनों बराबर आने चाहिए, किसी एक के लिए नहीं, मैंने आपको एक करके दिखा दिया, ठीक है, क्या मेरी बात समझ रहे हैं, अगर तीन इनपुट है तो
तीन के आठ कॉम्बिनेशन में आठों कॉम्बिनेशन के लिए ये एक्सप्रेशन और ये एक्सप्रेशन की वैल्यू बराबर होगी, तभी इन दोनों बुलियन एक्सप्रेशन को हम बराबर मानेंगे। ठीक है, मेरी बात समझ रहे हैं? चलो आज यहां पर बात करते हैं, दैट इज हेडिंग डालिए नैंड गेट सर्किट बाय यूजिंग ट्रांजिस्टर, नैंड गेट सर्किट बाय यूजिंग दोनों, जब दोनों ट्रांजिस्टर आपके ऑन होंगे तो आपका नैंड गेट का आउटपुट जीरो आएगा, मतलब लो वोल्टेज, ग्राउंड वोल्टेज आना चाहिए। गलत बोल रहा है सर, चेक कर लो, वन वन के लिए बराबर नहीं आएगा। हेलो, यहां वन, यहां वन, यहां वन, और ये आपका जीरो आएगा। यहां पर वन और वन का पहले मैं करूंगा तो ये जीरो आएगा, जीरो इंटू वन का होल बार, ये जीरो आएगा, ये वन आएगा। भाई कहां बराबर आ रहा है, पगला गए ना जो है। अच्छा बीओसी वाली बातें करते भाई, यहां कॉम्प्लीमेंट लिखा हुआ, पहले कॉम्प्लीमेंट लेना है फिर उसके बाद एंड ऑपरेशन करना है, क्या कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो। चलो मैं नैंड गेट का सर्किट बना रहा हूं ट्रांजिस्टर के लिए, ध्यान से देखिएगा, यहां पर आपको ट्रुथ टेबल से दिखना चाहिए। When both the transistor will be on, transistor is a switch. जब दोनों स्विच ऑन होंगे तो आउटपुट जीरो होगा, मीन दैट इज कनेक्टेड टू द ग्राउंड। अगर कोई भी एक ट्रांजिस्टर ऑफ हुआ तो सर्किट कंप्लीट नहीं होना चाहिए, आउटपुट हमेशा वन आएगा। ध्यान से देखिए जरा, ये चीज याद हो जाएगी आपको, ठीक है, क्योंकि जब हम लोग जो है पीएलसी पढ़ेंगे तो ये सब चीजों का यूज आएगा, इसीलिए मैं आपको पढ़ा रहा हूं पहले से, ठीक है। पीएलसी स्कॉडा इज वेरी वेरी सिंपल, प्रोग्रामिंग विल बी देयर, बट प्रोग्रामिंग के लिए आपको लॉजिक समझ में आना चाहिए कि क्या होता है। ध्यान से देखिए, नाउ आई कैन बी मेक द ट्रांजिस्टर सर्किट ऑफ द नैंड गेट। नाउ दिस इज दो ट्रांजिस्टर, हेलो, कितना इनपुट का नैंड गेट होता है, मिनिमम दो इनपुट, तो दो ट्रांजिस्टर लेने पड़ेंगे। This is the first transistor. ठीक है, now this is VCC, high voltage, and this is the ground, low voltage. ये ट्रांजिस्टर वन है मान लीजिए, ट्रांजिस्टर को टी वन से रिप्रेजेंट करो या फिर क्यू वन से। चलो आप लोग जो है जेई लेवल पे हो तो मैं टी वन लिख रहा हूं, स्टैंडर्ड ही ट्रांजिस्टर को क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। और ट्रांजिस्टर नथिंग बट अ स्विच, यहां पर आप स्विच बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ना ये ट्रांजिस्टर टी वन है, ये ट्रांजिस्टर टी टू है, ठीक है। ना ये दोनों का बेस है, और बेस में आप चाहे बेस करंट अप्लाई भी कर सकते हो, नहीं भी अप्लाई कर सकते हो, मतलब बेस की दो स्टेट है, तो बेस को मैं वेरिएबल से प्रिंट करूं, दिस इज ए बुलियन वेरिएबल, दिस इज द बुलियन वेरिएबल पी, ठीक है। भैया डायोड ले लो, डायोड भी स्विच है ना, डायोड सर्किट भी बना सकते हैं, लेकिन फेमस सर्किट है आपका एंड गेट का ट्रांजिस्टर सर्किट, ठीक है, इसलिए मैं वो बता रहा हूं, ठीक है। चलो Now, this is, ये आपके जो है दो बुलियन स्टेट है, मतलब ये बेस है, अगर बेस में हम लॉजिक जीरो अप्लाई करते, मतलब बेस करंट अप्लाई नहीं करते, ट्रांजिस्टर ऑफ हो जाएगा, ट्रांजिस्टर ऑफ हो जाएगा तो सर्किट ओपन हो जाएगा, और ओपन हो, अच्छा आउटपुट कहां से ले रहा हूं, पहले ट्रांजिस्टर, रो पहले ट्रांजिस्टर का, ये मेरा कैथोड है, ये मेरा क्या है कलेक्टर टर्मिनल, ये मेरा ट्रांजिस्टर टी वन है, ये मेरा ट्रांजिस्टर टी टू है। मैं आउटपुट कहां से ले रहा हूं, पहले वाले ट्रांजिस्टर के कलेक्टर टर्मिनल से मैं आउटपुट ले रहा हूं, चलो अब हम लोग जो है इसका सर्किट बनाते हैं, दो इनपुट है,
इनको मैं चेंज करूंगा तो दोनों ट्रांजिस्टर की वैल्यू चेंज होगी, जब चेंज होगी स्टेट चेंज होगी, ऑन ऑफ चेंज होगी तो आउटपुट भी चेंज होगा, ट्रुथ टेबल बना डाल। अगर दोनों ट्रांजिस्टर ऑन हो गए ना तो आउटपुट पे लो वोल्टेज पहुंच जाएगा। लो वोल्टेज पहुंचने का मतलब लॉजिक जीरो। चलो बूलियन वेरिएबल ए जो कि पहले ट्रांजिस्टर के बेस करंट को दिखाएगा, ट्रांजिस्टर की स्टेट भी दिखा रहा हूं, ए बी टी वन टी टू एंड दिस इज वाई। दो इनपुट के कितने कॉम्बिनेशन, चार कॉम्बिनेशन। हेलो, दो इनपुट के कितने कॉम्बिनेशन, चार, जीरो 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 वन वन जीरो वन वन। क्या मेरी बात से सहमत है? आ जाओ आउटपुट निकालते हैं। पहले मैं क्या अप्लाई कर रहा हूं, ए की वैल्यू जीरो, बी की वैल्यू जीरो। लॉजिक जीरो का मतलब करंट के तौर पे नो करंट नो बेस करंट। अगर मैं दोनों ट्रांजिस्टर बेस नहीं अप्लाई करूंगा तो दोनों ट्रांजिस्टर किस स्टेट में होंगे, दोनों ट्रांजिस्टर किस स्टेट में, बेस करंट नहीं अप्लाई करेंगे ट्रांजिस्टर किस स्टेट में होंगे, ऑफ स्टेट पे। हेलो, दोनों ट्रांजिस्टर आपके ऑफ स्टेट में, ऑफ स्टेट का मतलब ट्रांजिस्टर स्विच है ना, ये ओपन हो जाएगा, कर दिया ना ओपन, दोनों ट्रांजिस्टर मेरे ओपन हो गए, देखो ओपन कर दिया, ऑफ कंडीशन पे, ऑफ कंडीशन पे ट्रांजिस्टर ऑफ हो गए ना, दोनों ट्रांजिस्टर मेरे ऑफ कंडीशन पे। बताओ जरा व्हाट इज द आउटपुट वोल्टेज, व्हाट इज द आउटपुट, सर्किट कंप्लीट है क्या, नहीं, कोई करंट नहीं फ्लो करेगा तो यहां पर जो है कोई ड्रॉप नहीं होगा, ये VCC है तो इस पॉइंट का पोटेंशियल भी VCC होगा। आउटपुट में कौन सा वोल्टेज, हाई वोल्टेज, हाई वोल्टेज, हाई वोल्टेज मींस आउटपुट इज लॉजिक वन। आउटपुट पे कौन सा वोल्टेज आएगा, आउटपुट पे हाई वोल्टेज आएगा और हाई वोल्टेज को हम रिप्रेजेंट करेंगे लॉजिक। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? चलो तो मैं लिख रहा हूं बेटा, ध्यान से देखिएगा, जब मैं जीरो जीरो अप्लाई करूंगा, ध्यान से देखो, हेलो, जब मैं जीरो जीरो अप्लाई करूंगा, जब मैं बेटा ए की वैल्यू जीरो बी की वैल्यू जीरो रखूंगा तो दोनों ट्रांजिस्टर आपके किस स्टेट में होंगे, ऑफ स्टेट में, दोनों ट्रांजिस्टर आपके ऑफ स्टेट में। अगर दोनों ट्रांजिस्टर ऑफ स्टेट में होंगे तो दोनों ओपन सर्किट होंगे, कोई भी करंट नहीं फ्लो करेगा, आउटपुट पे आपका हाई वोल्टेज आएगा और हाई वोल्टेज आने का मतलब आउटपुट की वैल्यू लॉजिक पर। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? इतना लिखे। चलो अब मैं आपका जो है ए की वैल्यू जीरो बी की वैल्यू वन अप्लाई करूं, ध्यान से देखते जाओ जरा। हेलो, यहां देखो, ए की बेटा वैल्यू मैंने अप्लाई की जीरो, बी की वैल्यू कितनी अप्लाई की वन। लॉजिक जीरो का मतलब नो बेस करंट, नो बेस करंट। अगर कोई भी एक ट्रांजिस्टर, हेलो, कोई भी एक ट्रांजिस्टर ऑफ हो गया ना तो सर्किट इनकम्प्लीट हो जाएगा, सर्किट कंप्लीट नहीं होगा, करंट नहीं फ्लो कर पाएगा। और अगर सर्किट कंप्लीट नहीं हो पाएगा तो हमेशा आउटपुट पे लॉजिक वन आएगा, वीसीसी आएगा। ध्यान से देखिए, वही मैं बता रहा हूं, नैंड गेट की ट्रुथ टेबल में कोई भी एक इनपुट, मतलब कोई भी एक ट्रांजिस्टर अगर ऑफ कंडीशन पे है तो हमेशा आउटपुट पे लॉजिक वन आएगा, आउटपुट पे हाई वोल्टेज। अगर दोनों ट्रांजिस्टर ऑन हो जाएंगे ना तो यहां पर जीरो वोल्ट आ जाएगा, लो वोल्टेज मतलब लॉजिक जीरो। ध्यान से देखिए, यहां पर मैंने जीरो अप्लाई किया, यहां पर वन अप्लाई किया, ट्रांजिस्टर टी वन बेस करंट नहीं अप्लाई किया, करंट के फॉर्म पे नो बेस करंट, बेस करंट अप्लाई, तो T1 मेरा क्या हो जाएगा, हेलो, T1 मेरा क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा, और T2 मेरा क्या हो जाएगा, ऑन। ऑन होने का मतलब, ट्रांजिस्टर ऑन होने का मतलब क्लोज स्विच, और ट्रांजिस्टर ऑफ होने का मतलब ओपन स्विच। हेलो, T1 ट्रांजिस्टर मेरा ऑफ कंडीशन पे है, T2 ट्रांजिस्टर या फिर ये जो स्विच है वो ऑन कंडीशन पे है। क्या अभी भी मेरा सर्किट कंप्लीट है? क्या सर्किट कंप्लीट है? नहीं, सर्किट कंप्लीट नहीं तो क्या कोई करंट फ्लो करेगा? कोई करंट नहीं फ्लो, यहां पर कोई भी ड्रॉप नहीं, ये वीसीसी है तो ये भी वीसीसी होगा,
तो आउटपुट में कितना वोल्टेज, वीसीसी हाई वोल्टेज, दिस इज द लॉजिक वोल्टेज। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? चलो आ जाओ, चलो अब मैं इसको टेबल में बना देता हूं। जब आप ए की वैल्यू 0 रखेंगे, बी की वैल्यू 1 रखेंगे, तो T1 ट्रांजिस्टर क्या हो जाएगा? ऑफ कंडीशन पे। T2 ट्रांजिस्टर किस कंडीशन में आ जाएगा? ऑन कंडीशन में। T1 होगा ऑफ कंडीशन में, T2 होगा ऑन। लेकिन अभी भी सर्किट कंप्लीट नहीं होगा, तो आउटपुट वोल्टेज की वैल्यू कितनी होगी? VCC, दैट इज ए हाई वोल्टेज लॉजिक। चलो अब मैं अप्लाई कर रहा हूं, ए की जगह अप्लाई कर रहा हूं 1 और बी की जगह अप्लाई कर रहा हूं दैट इज 0। ए की जगह लॉजिक 1 का मतलब यू कैन अप्लाई द बेस सिग्नल। ट्रांजिस्टर 1 में बेस सिग्नल दे रहा है तो ट्रांजिस्टर 1 ऑन हो जाएगा। ट्रांजिस्टर बी पे कोई भी बेस सिग्नल नहीं दे रहे तो ट्रांजिस्टर बी किस कंडीशन पे? ऑफ कंडीशन पे। ये किस कंडीशन पे? ऑफ कंडीशन। पहला वाला ट्रांजिस्टर ऑन हो गया, दूसरा वाला ट्रांजिस्टर ऑफ हो गया, सर्किट कंप्लीट नहीं। व्हाट इज द आउटपुट वोल्टेज? VCC हाई वोल्टेज आपको लॉजिक 1। और नाउ अब आप अप्लाई कर रहे हैं ए की जगह 1 और बी की जगह 1, दोनों में लॉजिक 1। लॉजिक 1 का मतलब करंट एडजस्टमेंट में आप यहां भी बेस करंट अप्लाई करें, यहां भी। जब आप दोनों सर्किट में बेस करंट अप्लाई करेंगे तो दोनों ट्रांजिस्टर क्या हो जाएंगे? ऑन। ध्यान से देखो जरा इस केस को, दोनों ट्रांजिस्टर क्या हो जाएंगे? अब ऑन हो जाएंगे। ट्रांजिस्टर ऑन होने का मतलब इट इज ए क्लोज स्विच, क्लोज स्विच, दिस इज ए क्लोज स्विच, दिस इज ए क्लोज स्विच। और जैसे बेटा दोनों ट्रांजिस्टर और स्विच क्लोज हो गए ना दोनों, और दोनों स्विच क्लोज होती सर्किट कंप्लीट हो जाएगा। व्हाट इज द आउटपुट वोल्टेज? ये ग्राउंड है ना, ये ग्राउंड, ये ग्राउंड, ये कितना वोल्टेज? 0 वोल्ट। तो आउटपुट में भी कितना वोल्टेज दिखेगा? 0 वोल्ट। 0 वोल्ट मतलब लो वोल्टेज, मतलब दैट इज ए लॉजिक 0। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? चलो यहां मैं बना देता हूं, दोनों ट्रांजिस्टर जैसे ही ऑन हो जाएंगे, फिर दोनों ट्रांजिस्टर ऑन होने का मतलब दोनों स्विच जैसे ही ऑन हो जाएंगे, दैट इज अगर 1-1 अप्लाई करेंगे तो दोनों ट्रांजिस्टर ऑन हो, दोनों ट्रांजिस्टर ऑन के आउटपुट वोल्टेज 0 हो जाएगा, मींस लो वोल्टेज और लॉजिक 0। इसी चीज को आप ऐसे भी समझ सकते थे, हेलो, इसी सर्किट को ऐसे भी समझ सकते थे, पहले इतना समझ में आओ। अच्छा यहां पर ये ट्रुथ टेबल किसके में लिया बेटा? एनी वन ऑफ द इनपुट इज 0, आउटपुट इज लॉजिक 1। ये आपकी किसकी ट्रुथ टेबल है? NAND गेट की। अगर मैं आउटपुट का एक्सप्रेशन निकालूंगा, आउटपुट का एक्सप्रेशन हेलो POS फॉर्म से निकालूंगा, क्योंकि एक ही 0 है, इसके करस्पॉन्डिंग कौन सा टर्म आएगा? मैक्स टर्म, जो कि सम टर्म होगा। और अगर आप मैक्स टर्म लिखते समय जो 1 होता है वो आपके वेरिएबल के कॉम्प्लीमेंट को रिप्रेजेंट करता है, सम टर्म, दैट इज ए बार प्लस बी बार। तो आउटपुट का एक्सप्रेशन होगा ए बार प्लस बी बार, इसको आप लिख सकते हैं ए बार प्लस बी बार का डबल कॉम्प्लीमेंट। और जब यहां पर डी मॉर्गन थ्योरम लगाएंगे तो आपका आउटपुट का जो एक्सप्रेशन है वाई, दैट इज ए डबल कॉम्प्लीमेंट डॉट बी डबल कॉम्प्लीमेंट, और डबल कॉम्प्लीमेंट कैंसिल आउट हो जाएंगे, दैट इज ए बी का होल बार। एंड दिस इज बुलियन एक्सप्रेशन फॉर द नैंड गेट। अगर यहां पर आपने ए और बी अप्लाई किया तो आउटपुट में आपको क्या मिलेगा? ए बी का कॉम्प्लीमेंट। ये आपका ट्रांजिस्टर सर्किट। इसी चीज को आप ऐसे भी देख सकते थे, पहले इतना बना लीजिए, किसी को कोई दिक्कत हो तो बताओ। इस बार मैंने कैनोनिकल POS फॉर्म यूज किया है, हो गया, बहुत मजा आ रहा। नो सर, क्या हो गया भाई? विकास वर्मा, क्या हुआ? गौरव राय सर अच्छे से समझा रहे हैं, समझ आ रहा है, ठीक है, हो गया। चल आ जाओ इसी चीज को बेटा आप ऐसे देखो, ट्रांजिस्टर इज नथिंग बट ए स्विच। तो यहां ट्रांजिस्टर के स्विच भी लगा के दे सकते हैं आपको, ऐसे भी दे सकता है। हेलो, सेम फिगर को अगर स्विचिंग एप्लीकेशन में दिखाना है तो ऐसे भी दे सकता है। जब दोनों, हेलो,
जब दोनों स्विच ऑन होंगे तो आउटपुट जीरो होना चाहिए, तो ऐसे भी बना सकते हैं। हेलो, ट्रांजिस्टर इज नथिंग बट ए स्विच। दिस इज, पहले ट्रांजिस्टर को भी आप एक स्विच से दिखा सकते हैं, दूसरे ट्रांजिस्टर को भी एक स्विच से दिखा सकते हैं, एंड दिस इज द ग्राउंड। और स्विच के स्विचिंग एप्लीकेशन को बुलियन वेरिएबल ए एंड दिस इज बुलियन वेरिएबल बी। नाउ दिस इज वीसीसी और आउटपुट आपको लेना था पहले ट्रांजिस्टर के कलेक्टर से। नाउ दिस इज आउटपुट। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं सर? मिन टर्म से भी बना सकते हैं, बिल्कुल मिन टर्म से बना सकते हैं। बताया तो था, एक ही चीज 10 बार पूछते हो ना तुमको धड़ाक से झापड़ मारेंगे। मैं ये मैंने लिखा नहीं है मिन टर्म से, ऊपर नहीं लिखा है, ये मिन टर्म से ही तो लिखा है भाई। एक ही चीज को 10 तरीके से सर, उससे बना सकते हैं नहीं बना सकते? अरे बना के दिखाया भाई, मैं पैसे भी नहीं छोड़ता जो है कोई भी चीज। मैं बता देता हूँ तो मुझे मालूम है तुम लोगों की हालत, कि एक कान पकड़ोगे बोलेगा सर नहीं, पीछे से यहां से नाक से घुमा के पकड़िए। क्यों नहीं पकड़ सकते? पकड़ के दिखाइए ना। ठीक है, यहां पर आप देखेंगे हेलो, अगर मेरे दोनों हेलो दोनों स्विच ओपन होंगे, हेलो दोनों स्विच अगर ओपन होंगे तो व्हाट इज द आउटपुट? हेलो, दोनों अगर स्विच ओपन होंगे तो सर्किट कंप्लीट नहीं होगा, आउटपुट आएगा वीसीसी। अगर मान लीजिए स्विच ए ओपन है, स्विच बी क्लोज है, तो भी सर्किट कंप्लीट नहीं, वीसीसी। आपका स्विच ए क्लोज है, स्विच बी क्लोज नहीं, तो भी वीसीसी। जब दोनों स्विच क्लोज होंगे ना, तब आपका जो है क्या होगा, आउटपुट की वैल्यू जीरो होगी, मींस लॉजिक जीरो। मैं टेबल डायरेक्ट बना देता हूं, अब मैं आपको जो है ये चीज दिखाऊंगा नहीं, अब तुम लोग को ये समझ में आना चाहिए। This is switch A की switching position दिखा रहा है, switch B की position दिखा रहा है, और output का निकाल रहा है। दो switch है, 4 आपकी condition बनेंगी, that is 0 0 1 1 0 1 1 A की value 0, B की value, मतलब जब दोनों switch open है तो output आएगा VCC, VCC मतलब high voltage, output को logic 1 से print करेंगे। Now, A की वैल्यू 0, स्विच A ओपन है, स्विच B क्लोज है, अभी भी सर्किट कंप्लीट नहीं है, करंट फ्लो नहीं करेगा, तो आउटपुट में VCC हाई वोल्टेज लॉजिक 1। Now, 1 0, स्विच A क्लोज है, स्विच B ओपन है, सर्किट कंप्लीट नहीं है, नो करंट, अभी भी आउटपुट VCC हाई वोल्टेज लॉजिक 1। Now, A की वैल्यू 1, B की वैल्यू, दोनों स्विच क्लोज है, तो आपका ये शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, ये 0 तो ये 0, ये 0, आउटपुट पे 0 वोल्ट, 0 वोल्ट का मतलब लो वोल्टेज, आउटपुट इज लॉजिक 0। और आपकी टेबल दिख रही है, तुझे टेबल किसकी है? ये NAND गेट की, NAND गेट की। अगर मैं आउटपुट के स्ट्रुथ टेबल से आउटपुट का एक्सप्रेशन लिखूंगा तो एबी का कॉम्प्लीमेंट, हेलो एबी का एंड ऑपरेशन करिए और उसके बाद कॉम्प्लीमेंट ले लीजिए, 0 आ जाए, यहां से देख के लिख डालो। समझ रहे हो ना मेरी बात? ऐसा भी फिगर दे सकता है। नेक्स्ट लिखिए स्विचिंग सर्किट ऑफ NAND गेट। अब देखो NAND गेट का स्विचिंग सर्किट मैं आपको बढ़ा चुका हूं, बस ये तुम लोगों को समझ में आना चाहिए। अगर आपको किसी भी एक्सप्रेशन में क्या करना है, कॉम्प्लीमेंट लगाना है, तो उस स्विच को आप क्या कर दीजिए, अगर किसी भी स्विच के बुलियन एक्सप्रेशन में कॉम्प्लीमेंट लगाना है तो उस स्विच को आप पैरेलल में लगा दीजिए बल्ब के। ध्यान से देखिए, मैं आपको समझाता हूं। एंड के ऊपर, हेलो एंड के ऊपर क्या लगाना है, कॉम्प्लीमेंट लगाना है। तो एंड का स्विच मालूम है ना, एंड का कैसे बनता है, एंड गेट का स्विचिंग सर्किट कैसे बनता है, उसके लिए आप क्या करते हैं, एंड गेट के लिए दो स्विच को सीरीज में, सीरीज कनेक्शन ऑफ स्विच, एंड गेट के लिए स्विच को सीरीज में कनेक्ट करना है। अगर इस सीरीज कॉम्बिनेशन को बल्ब के साथ सीरीज में कनेक्ट कर देंगे तो कॉम्प्लीमेंट नहीं आएगा, लेकिन अगर मैं इस सीरीज कॉम्बिनेशन को बल्ब के साथ पैरेलल हूं तो कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। देखिए जरा, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं, समझिएगा जरा, क्योंकि ये चीज अगर आप समझ में आएंगे तो आप जिंदगी में भूलेंगे नहीं, नहीं तो फिर आप हर चीज का याद करते हैं। ध्यान से देखिए, आपको मैं समझाता हूं।
नेक्स्ट हेडिंग डालो, हो गया है ना, हो गया है, चलो नेक्स्ट हेडिंग डालें, नेक्स्ट हेडिंग डालिए, दिस इज स्विचिंग सर्किट ऑफ नैंड गेट। देखो जरा, ध्यान से देखिए जरा, बफर का कैसे बनाया था, ध्यान से सुनना जरा मेरी बातें। बफर में एक ही स्विच होता है ना, ठीक है। अगर ये जो बफर होता है, बफर में जो स्विच होता है, स्विच का एक्सप्रेशन क्या होता है, स्विच का बुलियन एक्सप्रेशन होता है ए, एक ही स्विच है, इसको बुलियन एक्सप्रेशन ए से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। नाउ ये बल्ब है, ये आपका बल्ब और आप बल्ब के क्रॉस आउटपुट मेजर कर रहे हैं। दिस इज वी, ध्यान से देखें, अगर मेरे पास जो स्विच है वो बल्ब के साथ किसमें लगा है, श्रेणी क्रम में लगा है, तो आउटपुट का जो एक्सप्रेशन होगा वो स्विच के बूलियन एक्सप्रेशन के बराबर। ये बफर का है तो आउटपुट का एक्सप्रेशन कितना था, ए। ध्यान से सुनते जाओ, लिखना विखना नहीं, सुनते जाओ, मैं बता रहा हूं। अगर मेरा जो है कोई स्विच है, उस स्विच का आपको अगर बूलियन एक्सप्रेशन मालूम है, स्विच का बूलियन एक्सप्रेशन मालूम है, और अगर आपने उस स्विच को बल्ब के साथ सीरीज में लगा दिया है, तो जो आउटपुट का एक्सप्रेशन होगा वो आपके स्विच के बूलियन एक्सप्रेशन के बराबर होगा, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखिए, यहां पर मैं क्या करूं, अगर मैं इस स्विच को बल्ब के साथ पैरेलल में लगा दूं, ध्यान से देखिएगा, अगर आप अपने स्विच, ये स्विच था ना, इस स्विच का बूलियन एक्सप्रेशन ए है, अगर मैं इस स्विच को बल्ब के साथ पैरेलल में लगा दूं, अगर आपको इस बल्ब के, इस स्विच का बूलियन एक्सप्रेशन मालूम है, ध्यान से देखिएगा, इस स्विच का बूलियन एक्सप्रेशन क्या है, ये दो ही स्टेट है इसमें, और अगर आप जो है स्विच का, अगर आपको बूलियन एक्सप्रेशन मालूम है, और अगर आप इस स्विच को बल्ब के साथ पैरेलल में लगा दें, बल्ब के साथ पैरेलल में लगा दे, तो आउटपुट का एक्सप्रेशन क्या होगा, ये नॉट गेट का स्विचिंग है, दैट इज ए कॉम्प्लीमेंट। अगर मेरा स्विच है, स्विच का अगर बूलियन एक्सप्रेशन, स्विच अगर बल्ब के पैरेलल में लगा है, तो आउटपुट में क्या होंगे, स्विच के बूलियन एक्सप्रेशन का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। और अगर आपको बेटा बल्ब के साथ जो स्विचिंग सर्किट है उसका बूलियन एक्सप्रेशन सीरीज में लगा, अगर स्विच 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 अगर मेरा जो स्विच है वो, अगर स्विच का आपको बूलियन एक्सप्रेशन मालूम है, स्विच अगर सीरीज में लगा है, तो आउटपुट का बूलियन एक्सप्रेशन स्विच के बूलियन एक्सप्रेशन के बराबर, बार नहीं लगेगा। अगर मेरा जो है, जो स्विच है उसका अगर मुझे बूलियन एक्सप्रेशन मालूम है, बूलियन एक्सप्रेशन मालूम है, और उस स्विच को अगर मैं बल्ब के पैरेलल लगा दूंगा, तो जो आउटपुट है उसका एक्सप्रेशन का, स्विच के बूलियन एक्सप्रेशन का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। ध्यान से देखेगा, अच्छा एंड में बताओ, एंड में पल्स कब जलता था, हेलो, एंड में आउटपुट वन तभी आता था जब दोनों हाई हो, दोनों हाई का मतलब दोनों ऑन होने चाहिए, जब दोनों ऑन होंगे तभी सप्लाई पहुंचेगी बल्ब तक, तभी बल्ब ऑन होगा। तो दोनों स्विच किस में लगने चाहिए, सीरीज में लगने चाहिए। तो एंड ऑपरेशन के लिए आपको स्विच किस में लगाने, सीरीज कनेक्शन में लगाने। ध्यान से देखिएगा, अब यहां पर टेंशन नहीं लेना, यहां पहले देख लो, पहले यहां आओ, हेलो 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 हेलो, इधर आओ, चले आएंगे, लिखना नहीं है, पहले मुझको समझा लेने दो, मैं लिखने के लिए टाइम दूंगा। आपने क्या किया था, एंड के लिए दो स्विच किसमें कनेक्ट करे थे, सीरीज में, एंड के लिए इस स्विच का बूलियन एक्सप्रेशन ए है, इस स्विच का बूलियन एक्सप्रेशन बी है।
अगर मैं सीरीज कॉम्बिनेशन के एक्सप्रेशन की बात करूं, अगर स्विच मेरे सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्ट है, ध्यान से देखिए, दिस इज द पल्स, दिस इज योर पल्स एंड दिस इज आउटपुट, ठीक है, ध्यान से देखिए। ये बताओ, जब दोनों मेरे स्विच क्या होंगे, ऑन कंडीशन में, वो तभी पल्स क्लोज होगा या फिर तभी पल्स क्या होगा, ऑन होगा। तो अगर मेरे स्विच आपके सीरीज में लगे हैं तो ये किस ऑपरेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एंड ऑपरेशन को रिप्रेजेंट, इस ऑपरेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं एंड ऑपरेशन। अगर स्विच मेरे सीरीज में लगे हैं तो इसका, अगर मैं इस सीरीज कॉम्बिनेशन का बुलियन, एक स्विच का बेटा बुलियन फंक्शन ए है, दूसरे स्विच के स्विचिंग ऑपरेशन का बुलियन फंक्शन बी है, क्योंकि इसमें दो ही स्टेट, या तो ये ऑन हो गए तो आप इसका बुलियन, इस स्विच का बुलियन एक्सप्रेशन को आप ए से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और इस स्विच के बुलियन एक्सप्रेशन को आप बी से। अगर दो स्विच आपके सीरीज में लगे हैं तो, अगर दो स्विच सीरीज में लगे हैं तो मेरा बल्ब ऑन कब होगा, जब दोनों ऑन होंगे, दोनों ऑन होने का मतलब दोनों का एंड ऑपरेशन। अगर आपके बल्ब सीरीज, आपके स्विच सीरीज में लगे हैं तो ओवरऑल इस सीरीज कॉम्बिनेशन का जो बुलियन एक्सप्रेशन होगा क्या हो जाएगा, ए इंटू बी। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? और आप देखेंगे, हेलो, इस अगर स्विच सीरीज में लगे हैं तो ओवरऑल इस सीरीज कॉम्बिनेशन का बुलियन एक्सप्रेशन ए बी हो जाएगा। और अगर बेटा ये जो है आपको स्विच, ये जो सीरीज कॉम्बिनेशन का बुलियन एक्सप्रेशन मालूम है और ये सीरीज कॉम्बिनेशन बल्ब के साथ किसमें लगा है, सीरीज में लगा है, तो आउटपुट का फंक्शन क्या होगा, इसी स्विच के बुलियन एक्सप्रेशन के बराबर होगा। अब आप इसमें नैंड के लिए बार लगाना चाहते हैं तो इस सीरीज कॉम्बिनेशन को किसमें लगा दीजिए, पैरेलल में लगा दीजिए, किसमें लगा दीजिए, पैरेलल में लगा। ध्यान से देखिए, अभी मैं बना रहा हूं, अगर दो स्विच सीरीज में लगे हैं तो ओवरऑल उस सीरीज कॉम्बिनेशन, स्विच के सीरीज कॉम्बिनेशन का बुलियन, इस स्विच के सीरीज कॉम्बिनेशन का बुलियन एक्सप्रेशन है भी। अगर स्विच मेरे कभी सीरीज में लगे हैं तो ओवरऑल इस स्विचिंग सीरीज कॉम्बिनेशन का बुलियन एक्सप्रेशन निकालने के लिए दोनों स्विच का आप क्या कर दीजिएगा, एंडिंग कर दीजिएगा। सर जी, सर आज स्टूडेंट, हाँ कुछ लोगों का पेपर है, कुछ लोग ट्रेन पे है ना, ठीक है, कुछ लोग ट्रेन पे आज, इसलिए स्टूडेंट कम है, कल पेपर है बेटा। मनीष तुमने भरा नहीं है, अब इधर आओ, ध्यान सुनो। तो कभी भी मेरे पास जब दो स्विच आपके सीरीज में कनेक्ट होंगे तो सीरीज कॉम्बिनेशन का अगर बुलियन एक्सप्रेशन निकालना है तो मैं दोनों की एंडिंग कर दूंगा। ध्यान से देखिए, अब आपको क्या करना है, अब इस सीरीज कॉम्बिनेशन का बुलियन एक्सप्रेशन, ये सीरीज कॉम्बिनेशन बल्ब के साथ किसमें कनेक्ट है, अगर कोई स्विच जिसका बुलियन कॉम्बिनेशन, बुलियन एक्सप्रेशन अगर वो सीरीज में है तो आउटपुट का एक्सप्रेशन उस स्विच के बुलियन एक्सप्रेशन के बराबर होगा। अगर आप इस एक्सप्रेशन में बार चढ़ाना चाहते हो तो इस कॉम्बिनेशन को किसमें लगा दीजिए, बल्ब के साथ पैरेलल में लगा दीजिए। ध्यान से देखिए, तो नैंड गेट का स्विचिंग सर्किट बता रहा हूं, हेलो, एंड के ऊपर बार लगाना है, एंड के ऊपर बार लगाना, ध्यान से देखिए। अभी मैं आगे चल के शॉर्ट ट्रिक भी बता दूंगा, ये मैं आपको बनाने का तरीका बता रहा हूं कि आप सोच सकते हैं आगे चल के। ये मेरा बल्ब हुआ, ये मेरा बल्ब हुआ, ठीक है। नाउ अगर आपको स्विचिंग की एंडिंग करनी है, स्विचिंग की एंडिंग करनी है तो स्विच को सीरीज में लगाना पड़ेगा, तो पहले आपको एंडिंग करनी है तो स्विच को सीरीज में लगाएंगे, उसके बाद उसका कॉम्प्लीमेंट लेना है, कॉम्प्लीमेंट के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उस कॉम्बिनेशन को पैरेलल में, बल्ब के पैरेलल में, बल्ब के पैरेलल में लगाने से एंडिंग हो जाएगी, लेकिन किसकी एंडिंग करनी है, एंड ऑपरेशन की। तो दो स्विच को आप सीरीज में लगाइए, ये दो स्विच लिए ए, ये दूसरा स्विच लिया बी, इसका इस स्विच का एक्सप्रेशन है ए और इस स्विच के स्विचिंग ऑपरेशन पर टाइम बी, दोनों को सीरीज में अगर आपने लगा दिया तो इसका बुलियन एक्सप्रेशन हो जाएगा, दोनों की एंडिंग हो जाएगी ए इंटू बी। और अगर ये सीरीज कॉम्बिनेशन बल्ब के पैरेलल में लगाए तो आउटपुट का एक्सप्रेशन क्या होगा, इस स्विच के बुलियन एक्सप्रेशन का बार। अभी निकालते हैं, मैं आपको दिखा रहा हूं,
दिस इज वाई एंड दिस इज आउट. ध्यान से देखिएगा, ये है स्विचिंग सर्किट ऑफ नैंड गेट. दिस इज द और गेट का माल में तो नॉर गेट का भी बना लेंगे. ये नैंड गेट का स्विचिंग सर्किट है. चलो मैं आउटपुट का एक्सप्रेशन निकाल के दे ट्रुथ टेबल बनाता हूं. ध्यान से देखिए, ट्रुथ टेबल बना रहा हूं और नैंड गेट में आपको मालूम है कोई भी हेलो कोई भी एक इनपुट अगर जीरो हो गया, मतलब कोई भी अगर एक स्विच क्या है ऑफ पोजिशन पे है, तो आउटपुट लॉजिक वन है, मतलब आप बल्ब ग्लो करना चाहिए. अगर कोई भी एक स्विच ओपन कंडीशन पे हुआ तो बल्ब ग्लो करेगा, और बल्ब ग्लो करेगा तो आउटपुट पे क्रॉस वोल्टेज आएगा, उसको हम लॉजिक वन से रिप्रेजेंट करते. देखो ट्रुथ टेबल बना रहा हूं, ए बी एंड वाई कितना कॉम्बिनेशन, अगर स्विच आपके सीरीज में कनेक्ट है तो उस स्विच का उस कॉम्बिनेशन का, अगर आपके स्विच आपके सीरीज में कनेक्ट है तो इस सीरीज कॉम्बिनेशन का बुलियन एक्सप्रेशन हो जाएगा. दोनों की एंडिंग कर दीजिएगा, ए बी आएगा पैरेलल लगाए तो बार चढ़ जाएगा, ए बी का होल बार आएगा. मैं समझाने की कोशिश करूं, ध्यान से देखो, इधर आओ बोर्ड पे देखो, लिखना नहीं है. इनपुट है हेलो, दो इनपुट है तो कितने कॉम्बिनेशन, चार, जीरो 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 वन वन जीरो वन वन. अब देखो हेलो, ए की वैल्यू जीरो है, बी की वैल्यू जीरो है, तो किसी भी स्विच में लॉजिक जीरो का मतलब वो स्विच क्या है, ओपन है. हेलो ध्यान से देखो, ए की वैल्यू जीरो मतलब ये स्विच ओपन, बी की वैल्यू जीरो मतलब ये स्विच ओपन. अगर ये दोनों स्विच ओपन है तो क्या बल्ब से करंट पास करेगा, बल्ब से करंट पास करेगा तो बल्ब क्या करेगा, ग्लो करेगा. अगर बल्ब ग्लो करेगा तो बल्ब के क्रॉस वोल्टेज अपीयर होगा, और अगर वोल्टेज अपीयर होगा तो दैट इज ए लॉजिक वन. क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं, क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं, क्लियर है, लॉजिक वन. अगर बेटा दोनों स्विच ओपन होंगे, एक की वैल्यू जीरो बी की, दोनों स्विच ओपन है तो ये ओपन सर्किट, ओपन सर्किट तो सारा का सारा सप्लाई वोल्टेज कहां पर, बल्ब के क्रॉस, बल्ब के क्रॉस वोल्टेज है तो बल्ब से करंट पास करेगा, बल्ब ग्लो करेगा, आउटपुट दैट इज नथिंग बट द वन. अब जरा ध्यान से देखो, अब मैंने ए की वैल्यू जीरो रखी है, बी की वैल्यू वन. ए की वैल्यू जीरो मतलब स्विच वन ओपन है, बी की वैल्यू जीरो मतलब स्विच बी क्लोज है, तो क्या ये सर्किट कंप्लीट है, स्विच ए ओपन है स्विच बी क्लोज है, ऐसा होगा. ध्यान से देखिए, स्विच ए तो मेरा ओपन कंडीशन पे है, स्विच ए मेरा ओपन कंडीशन पे है, लेकिन स्विच बी मेरा कैसा है, क्लोज है. क्या अभी ये सर्किट कंप्लीट हुआ, क्या नहीं, क्या अभी भी बल्ब से करंट पास करेगा, बल्ब से करंट पास करेगा, और बल्ब से अगर करंट पास किया ना तो बल्ब ग्लो करेगा, ग्लो करेगा तो व्हाट द आउटपुट, वन. कुलदीप करें आग लगा दी, कहां आग लगा दी भाई, तुम लोग समझते ही ना हो. ये स्विच ए था, ये स्विच बी है, अभी आग नहीं लगी, जिस दिन तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा आग उस दिन लगेगी. इस बार तुम्हारे बैच से मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट सिलेक्ट होंगे, देखना जिस हिसाब से तुमको पढ़ा रहे हैं. अब नहीं सिलेक्ट हुए तब तो खोपड़ी टूटनी है तुम लोग, ये कह कि खोपड़ी तोड़ी जाए, ए एंड दिस इज बी, ठीक है. चलो अब मैं ए की जगह वन अप्लाई कर रहा हूं, बी की जगह जीरो, स्विच वन क्लोज है, स्विच बी ओपन है, तो क्या ये सर्किट कंप्लीट है, क्या नहीं, अभी भी ओपन सर्किट, अभी भी करंट बल्ब से पास करेगा, करंट बल्ब से पास किया, बल्ब ग्लो किया, व्हाट इज द आउटपुट, वन. और बेटा ये बताओ, जिस दिन आपका ए पे वन बी पे वन, ए पे वन होने का मतलब स्विच ए भी क्लोज है स्विच बी भी क्लोज है, दोनों स्विच क्लोज हो जाएंगे तो आपका ये शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, सारा सारा करंट इस शॉर्ट सर्किट से पास करेगा. क्या बल्ब से कोई करंट पास करेगा, क्या नहीं, बल्ब से कोई भी करंट नहीं पास करेगा, और बल्ब से कोई भी करंट नहीं पास करेगा तो क्या बल्ब ग्लो करेगा, क्या बल्ब ग्लो नहीं करेगा तो बल्ब ऑफ कंडीशन पे, क्या कोई आउटपुट, करंट नहीं है,
बल्ब को रजिस्टर ने करंट की वैल्यू दी तो वोल्टेज भी नहीं होगा, बल्ब अगर बल्ब से करंट नहीं पास करेगा तो वोल्टेज भी जीरो होगा, और बल्ब अगर करंट नहीं पास की तो ग्लो नहीं करेगा, मींस आपका जो है बल्ब ऑफ कंडीशन में ग्लो नहीं करेगा तो आउटपुट जीरो होगा, तो आउटपुट की वैल्यू कितनी आएगी, जीरो। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? जब आप यहां पर 1-1 अप्लाई करेंगे, दोनों स्विच को क्लोज करेंगे ना, स्विच ए एंड दिस इज स्विच बी, तभी आपका जो है ये शॉर्ट सर्किट होगा, तभी बल्ब ग्लो नहीं करेगा। जब दोनों स्विच क्लोज होंगे तो बल्ब आपका ऑफ कंडीशन पे होगा। कोई भी एक स्विच अगर ओपन हो गया, तो ये सर्किट कंप्लीट हो नहीं पाएगा, सारा सारा करंट बल्ब से पास करेगा, बल्ब ग्लो करेगा तो आउटपुट इज 1। ये बताओ व्हाट इज द, ये ट्रुथ टेबल किस गेट की है? अगर यहां से आप वाई का लॉजिकल एक्सप्रेशन निकालेंगे, यहां से निकाल लो तो कितना आएगा, दैट इज ए बार प्लस बी बार, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, हेलो, ए बार प्लस बी बार का डबल कॉम्प्लीमेंट, एंड दिस इज इक्वल टू ए डबल कॉम्प्लीमेंट डॉट बी डबल कॉम्प्लीमेंट। ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे तो दैट इज ए बी कॉम्प्लीमेंट। तो व्हाट इज द एक्सप्रेशन, ए बी कॉम्प्लीमेंट। इसको डायरेक्ट भी देख सकते हैं, अगर स्विच, हेलो, अब देखो डायरेक्ट लिखना बता रहा हूं, अगर दो स्विच मेरे सीरीज में कनेक्ट हैं तो इस सीरीज कॉम्बिनेशन का बुलियन एक्सप्रेशन होगा ए बी, और अगर ये आपका सीरीज कॉम्बिनेशन का बुलियन एक्सप्रेशन, अगर सीरीज कॉम्बिनेशन बल्ब के साथ पैरेलल में तो आउटपुट में क्या होगा, इस बुलियन एक्सप्रेशन का बार। क्या मेरी बात समझ पा रहे थे? यही चीज तो नॉट में थी, यहां पर एक ही स्विच था तो इसका बुलियन एक्सप्रेशन ए था, पैरेलल लगाए तो आउटपुट का एक्सप्रेशन इसका कॉम्प्लीमेंट हो जाए। अब इसको नोट कर लीजिए, आपको पहले इसको नोट कर लो, चलो यहां से मैं दे रहा हूं, पहले इसको स्विचिंग सर्किट से नोट कर लो। अब एक एक दिन आपके भी जाना गुजारना मुश्किल है सर, वी वेरी मिस यू, सौरभ बोल रहे हैं। आज सौरभ तुमको डंडे पढ़ने वाले थे, तुम क्लास में नहीं आए हैं, और तुम्हें हमारे बगैर एक एक दिन गुजारना मुश्किल पड़ रहा है, क्यों 15,000 दहेज दे दिए हो, हैं क्यों, यही कहना चाहते हो क्या? चलो कोई बात नहीं, I am also missing you, but I am connecting with you with online, है ना, तभी मैंने छुट्टी नहीं की। सर तो कह रहे छुट्टी कर, तो मैंने क्या करेंगे घर में बैठ के, जानते हो वाइफ है, फुर्सा बिलना फेंक देगी, तो उससे अच्छा कि तुम ही लोग को पढ़ा डाला जाए, है? चलिए तो आज इतने रखते हैं, कल मैं मॉर्निंग में भी एक क्लास लूंगा और इवनिंग में दो क्लास लूंगा डिजिटल की, ठीक है, एक दो दिन में हमने गेट कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद के मैप के थ्रू हम लोग रिडक्शन टेक्निक जो है हम लोग क्या करेंगे सीखेंगे, और फिर उसके बाद हम लोग मल्टीप्लेक्सर और आपका जो है फ्लिप फ्लॉप पे चलेंगे, जो टफ माना है, टफ कुछ नहीं है, वेरी वेरी इजी सब्जेक्ट विल बी देयर, प्रोग्रामिंग इज आल्सो वेरी वेरी इजी, ठीक है, आज इतना ही रखते हैं, क्योंकि आपके कॉन्सेप्ट बिल्डअप हो जाए एक बार, तो उसके बाद आप चीज, सर एक घंटा और, भाई अब क्या चाहे तो एक घंटा और पढ़ाएं, सुबह 10 बजे तक पढ़ाएं, इसको नोट करो, आप इसको नोट करो, मैं क्लास लेने के बाद उसको ऑनलाइन जो है क्या कहते हैं अपलोड कर दूंगा, तो जिनकी छूट जाए तो वो देख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। चलो संदीप, सौरभ तुम घर पहुंच गए क्या? चलो थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट।